बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ भयंकर साइक्लोन आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइक्लोन की वजह से मिट्टी के सरकने की भी आशंका है और कहा जा रहा है कि आज रात जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। hey, ये कौन सा इंजेक्शन है? ये इलीगल है, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम तक नहीं जान पाओगे। इस प्रोफाइल सर। इरफान, नाम सैयद जाफर है, उम्र 38 साल। तुम्हारा नाम सैयद जाफर है, उम्र 38। पाकिस्तान की आर्मी के जलाबाद कैंप में ट्रेनिंग लेकर आया है। आईडी बॉम्ब्स डिजाइन करने में यू आर एन एक्सपर्ट। 6 महीने पहले एक सर्जरी करके 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू अपने प्राइम मिनिस्टर की जान की फिक्र कर, हमारा अगला अटैक मिस नहीं होगा। अगला अटैक कहां पर? बोल। वो लंदन तो फ्लाइट में जाएंगे, पर वापस बक्से में आएंगे। तुम्हारा पीएम। ही इज नॉट लाइंग सर, इट्स द ट्रूथ। लंदन? लंदन में कौन मारने वाला है? कौन सा ग्रुप? कोई ग्रुप वूप नहीं है, सिर्फ अकेला है वो। वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा, तुम्हारे देश के गौरव को मिटा देगा। सूरज, सूरज, हे, लगता है वहां पे कोई घुसा है, जाके देखो। कहाँ है वो? बोल। वो मुझे नहीं पता। इरफान, I don't know। इसे एक और डोज दो। डॉक्टर, एक और डोज दे दो। नहीं, मत दो, इंजेक्शन मत दो। वो तमिलनाडु में। कौन है? बता, बता दो। उसका नाम पहली दूरदर्शन सेवा आज अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है। आज के दिन ही डीडी के नए अल्ट्रा एचडी चैनल की झलक भी दिखने वाली है। आज के समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वासुदेव मेनन आ रहे हैं। वेलकम सर। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री चंद्रकांत वर्मा भी आ रहे हैं। मिनिस्टर जीवन राम के इशू का क्या हुआ? उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए नोट लिखकर भेजा था मैंने। सर, जीवन राम अपने मिनिस्टर ऑफ माइंस हैं और हमारी पार्टी में जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। हमारी पार्टी? आप कब ज्वाइन हुए? आप कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल।
मेरी बातों को सुनकर एग्जीक्यूट करना ही आपका काम है। I'm sorry सर। सॉरी बहुत वैल्यूएबल वर्ड है, बार बार यूज नहीं करना चाहिए। नेता परमेश्वर राव जी का क्या कहना है? परमेश्वर राव जी खुद उस शादी में उपस्थित थे। उधर प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से, इसकी क्या जरूरत है संतोष? मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, जनता ने हम पर भरोसा करके वोट दिया, सिलसिला चल रहा है वो भरोसा सिर्फ हमें ही बनाकर नहीं रखना चाहिए, उसे अधिकारियों को भी बनाकर रखना होगा। We should have taken action on him. I'm sorry. जवाब नहीं मिलता है। रेडी हो ना? Open this box. Stand up! It's a trap! I repeat, it's a trap! Emergency distress! Cancel Alpha visit! Mayday! Mayday! Secure Alpha! Alpha visit cancelled! Code fire! Reverse right now! What's happening? Code fire! Reverse right now! मंगलसूत्र में आपने 3 गांठें बांधी थी या 30 गांठें बांधी थी? स्ट्रॉन्ग है डैड। शट अप। अरे कोई भी बोला, मैं बाद में बात करूं। सर कम इन, कम इन। हेलो मिस्टर, अरे बैठे बैठे। दिस इज आवर डिमांड टू यू, तिहाड़ जेल में हमारे जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत रिलीज कीजिए। अगर नहीं किया तो योर मिनिस्टर विल बी शॉट, अगर लेट किया तो हर घंटे यहाँ के हर स्टाफ को मार देंगे। माँ, अगर आपको इनकी जान, माँ पहले रोना बंद कीजिए, पापा को कुछ नहीं होगा, जल्दी छोड़ देंगे, आप हिम्मत रखिए। इंडिया में घटे कई भयंकर हमलों में कैद किए गए आतंकवादी जो तिहाड़ जेल में, उनमें से 5 आतंकवादी। Guys, come on, come on. Sir, हमें उनसे तुरंत नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए क्या? अब बातों से कुछ नहीं होने वाला, वो अड़े हुए हैं, उन 5 लोगों को छोड़ना ही इकलौता ऑप्शन है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सिकंदर? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आपको पता है उन 5 की वजह से कितने लोगों की जान जा चुकी है? We have no other cope, पटवर्धन जी, पूरे देश में आतंक का माहौल है। But the nation is above everything. ये तो रोज ही होता है, अभी हमें मिनिस्टर साहब को बचाना होगा। He is sincere man. उनको ऐसे मरने दे क्या? ऐसा कैसे? वहाँ पर क्या सिर्फ हमारे ही मिनिस्टर फंसे हुए हैं? नहीं सर, दूरदर्शन के 250 से ज्यादा स्टाफ उनके कंट्रोल में है सर। तो वो लोग सिंसियर नहीं है क्या? उन लोगों की बलि दे दी जाए तो कैसा रहेगा? जोसेफ सर, एनएसजी स्पॉट पर चले गए क्या? वेटिंग फॉर द ऑर्डर सर। एक जान की बलि देकर अगर 100 लोगों की जान बचाई जा सकती है तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, यही हमारा धर्म कहता है, इंसानियत भी यही कहती है। आस्क देम टू टेक एन एक्शन। ओके सर। तुम दोनों उस तरफ जाकर देखो और तुम वहां देखो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। Hey, don't shoot! सर 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 सर, चलिए आसुन, चलिए चलिए, fast fast। तुम लोग हमें रोक नहीं सकते, हम तुम्हारा देश बर्बाद कर देंगे। गो 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 फास्ट एवरीवन, डोंट वरी, इट इज सेफ नाउ। पाकिस्तान के आतंकी हमले को रोक दिया गया है। आज सुबह हुए हमले को एनएसजी सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तिहाड़ जेल के आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी।
लेकिन वो मांग सरकार की तरफ से खारिज कर दी गई। अंजलि, आई एम रियली सॉरी, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है अंजलि, देश के लिए त्याग है। बी बोल्ड। मचा ले आ धूम दिल से, जरा झूम के नाचो गाओ खुल के। मचा ले आ धूम दिल से, जरा झूम के नाचो गाओ खुल के। खुशी के आए आज दिन है, ना है आज कोई मस्ती के बिन रे। जैसे खुशियों को खुशियां झूमे, आयो दिल दीवाना क्यों ना झूमे। रमा दिल तो दिल को ही ढूंढे, कहां खोया दिल कोई ये ना जाने। दीवानी मस्तानी वहां भी यहां भी, खुशियां आई है तो मस्ती। चुनरी जो प्यारी, जिया काट 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 गई नैन कटारी। सिलकी चल गई आरी, हाय चढ़ गई इश्क खुमारी। चल तू साथ मेरे सबको बुला के, वरना ले जाऊंगा तुझको मैं यार उठा के। मुझको बांध ले तू बन के लगाए, नहीं तो दिल ये कर डालेगा कोई खताए। हो जा साथ मेरे या मुझे कर साथ में तेरे, मिल जा मुझे रहना है बस संग में तेरे। चुनरी तुम्हारी, जिया काट 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 गई नैन कटारी। सिल्की चल गई आरी, हाय चढ़ गई इश्क खुमारी। गाँव अपना है और गाँव की खुशी अपने, छाई अपनी ही मेहनतों से ये खुशहाली। देती हमें हरियाली चारों तरफ कावेरे। बारिश मिलती हमको घटा से, ये खुशियाँ जिसमें हमको सदा से। अंग-अंग में धूपे पटाके, हुए आज सच सपने हमारे। चिता 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 चिता, हटा 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 हटा। सर से सर की हर चिंता हमारी, हाय दिल में बजे चैन की बंसुरी प्यारी। प्यार में राधे के हुए मुरारी, बिना राधे के आधे हैं बांक बिहारी। अपनी अदा यारो जग से जरा हटी हटी, रखते हैं कायम सदा हम तो अपनी रॉयल्टी। अपने तो आगे पानी भरे सारे सेलिब्रिटी, चाहे जहां हम तो आंखें सबकी रहे फटी फटी। हमसे जमाने की है अदा, हम तो सबके दिल की है दुआ। हम तो बस माइंड में सोचता, और पिज़्ज़ा सीधे घर में पहुंचता। चिता 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 चिता, हटा 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 हटा। सर से सर की हर चिंता हमारी, अरे दिल में चैन की बजी बंसुरी प्यारी। सर से सर की हर चिंता हमारी, अरे दिल में चैन की बजी बंसुरी प्यारी। चल तू साथ मेरे सबको बुला के, वरना ले जाऊंगा तुझको मैं यार उठा के। मुझको बांध ले तू बन के लगाए, नहीं तो दिल ये कर डालेगा कोई खताए। जश्न में नाचेगा गाएगा दिल तो मेरा रे, सबको अपना बनाएगा दिल ये मेरा रे। नाचो रे जुवरे, नाचो रे जुवरे। हेलो
दर्शकों, मैं हूं आपकी अनीता एंड वेलकम टू आवर शो मॉडर्न एग्रीकल्चर। बारिश नहीं हो रही, पानी नहीं है, पूरे स्टेट में सूखा पड़ा है, लेकिन सिर्फ ये जगह इतनी हरी भरी कैसे हो सकती है? इस मैजिक की वजह है मिस्टर कदेरवन नाम के मॉडर्न फार्मर। कचरे से खाद बनाना, सोलर एनर्जी, बिंक एनर्जी, पीने के पानी की बचत, पंचकव्या और ऐसे ही साइंस और परंपरा को मिलाकर धूम मचा रहे हैं अपने कदेरवन। गुड मॉर्निंग कदेरवन, आप ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। अरे नहीं नहीं, ये तो नेशनल फार्मिंग है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक कदम आगे है। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक है। इस तरह से पहली बार जिसने फार्मिंग की थी वो थे मुस्लो गुफकुफ का। वोडका तो पता है, ये फकुओका क्या है? मुस्लो गुफकुफ का जापान के हैं, दार्शनिक फार्मर। इस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान खेती कर सकता है। देखिए, हमारे इस खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स इन केमिकल्स की खुशबू तक पड़ने नहीं देते। ओह क्या बात है कदीर, ओह बेबी कॉर्न मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होता है, खाकर देखिए ना। इट्स अनबिलीवेबल, अभी भी मेरी जीभ स्वाद के मारे डांस कर रही है। अरे ये क्या सर, शौचालय है क्या? सही कहा आपने, इसे भी कमाई का जरिया बनाया हुआ है, साइड बिजनेस है क्या सर? है तो शौचालय, लेकिन वहाँ पैसे हम देते हैं। यहाँ आकर शौच करो, 10 रुपए मिलेंगे। वाओ, वेरी 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 डिफरेंट अप्रोच। एक मिनट, इसमें हमारा स्वार्थ भी है। स्वार्थ? आइए बताता हूँ। 5 बार गया हूँ, पूरे 50 रुपए देने होंगे। झूठा कहीं का। देखो मौसी, जिस मंदिर में कहोगी वहाँ जाके कसम खा सकता हूँ। तेरी कसम भी तेरी जैसी झूठी है। अरे बेटा, अंदर कुछ नहीं करता है, 5 बार गया है तो 50 रुपए मांग रहा है। अब चेक करने के लिए अंदर कैमरा तो नहीं लगा सकता ना, जो कह रहा है बेटा ले जाते। ईमानदार सप्लायर, अरे भाई पैसे लिए बिना जा रहे हो? बिना मेहनत के पैसा शरीर पे नहीं लगता है कदीर। हाँ। मैंने कोशिश की थी लेकिन पेट से सिर्फ गैस ही निकल रही। थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगा तब पैसे ले लूंगा ना। कैसे भी लोग आ जाते हैं। ओहो, ये लो। हाँ, लो 10 रुपए का फायदा। इंटरव्यू अभी बाकी है। हाँ, जा जा जा। अच्छा वो 2 टॉयलेट बंद क्यों पड़े हैं? आधे लोग वहाँ भी तो जा सकते हैं ना। उसे भरे 6 महीने हो गए ना, इसीलिए उस पर ताला लगा कर संभाल कर रखा है। इसे बचा कर संभाल कर क्यों रखा है? हाँ ये है ना असली सवाल। हमने जो 6 महीने तक संभाल कर रखी है ना गंदगी, वो बैक्टीरिया से सूख कर खाद बन गई है। ये देखो। अरे इसमें कोई बदबू नहीं आएगी, ये नाइट्रोजन रिच प्योर ब्लैक गोल्ड है, काला सोना। What? आप इसे अपनी फसल के आसपास डाल दोगे ना तो फिर मिट्टी खराब हो, पानी कम हो या मौसम भी खराब हो तो भी फसल में बढ़ोतरी होती रहेगी। अरे कुछ देर पहले आप ही ने तो कहा था बेबी कॉर्न का टेस्ट अच्छा है, नाइस अरोमा। आपकी जीभ और टेस्ट करने के लिए डांस कर रही थी ना। इस पर उल्टी मत करना। दीदी ब्रेक कर दें क्या? ये बिना कोई इंटरव्यू नहीं करा, चलो चले। अरे यहाँ नहीं सुना, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें। हमें लगा था क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, यहाँ इतनी गंदगी फैला के रखी है, सबको उल्लू बना रहे हो। रुक, कैमरा ऑन कर। खेती कोई धंधा नहीं है, शहर की रक्षा पुलिस करती है, देश की रक्षा मिलिट्री करती है, इंसान की रक्षा करने वाली खेती भी एक सर्विस है। इस मिट्टी की बहुत सारी खूबियां हैं, उस पर गिरने वाली हर गंदगी को उपयोगी बनाकर वापस देती है। जो हम मिट्टी के साथ करते हैं वो गंदगी है। जंगल काट दिए तो अब बारिश नहीं होती है, मिट्टी से सब कुछ निकाल दिया, बारिश होती भी है तो उसे बचा कर नहीं रख पाते। धीरे धीरे खेती खत्म हो रही है, उस पर ये केमिकल डाल देते हैं, उनकी वजह से ये मिट्टी बर्बाद हो रही है। अब बाकी बचा क्या है, हमारी मिट्टी। इसी से मुनाफा निकालने के लिए चीन और जापान भी अब इस खेती के धंधे में उतर चुके हैं। हमें जिस जगह खेती करनी है वहाँ पर कुआं या तालाब बनाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हमें एग्रीकल्चर बचाना ही होगा, यही आपका फ्यूचर है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ भयंकर साइक्लोन आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइक्लोन की वजह से मिट्टी के सरकने की भी आशंका है और कहा जा रहा है कि आज रात जोरदार बारिश होने की भी संभावना है। हे, ये कौन सा इंजेक्शन है, ये इलीगल है, मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करो। हे, 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 नो नो नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा नाम तक नहीं जान पाओगे। हिज प्रोफाइल सर। इरफान, नाम सैयद जाफर है, उम्र 38 साल। तुम्हारा नाम? सैयद जाफर है, उम्र 38। पाकिस्तानी आर्मी के, पाकिस्तान की आर्मी के जलाबाद कैंप में ट्रेनिंग लेकर आया है। आईडी बॉम्ब्स डिजाइन करने में यू आर एन एक्सपर्ट। 6 महीने पहले एक सर्जरी करके 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। ए, मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तू अपने प्राइम मिनिस्टर की जान की फिक्र कर, हमारा अगला अटैक मिस नहीं होगा। अगला अटैक कहाँ पर? हाँ। बोल। वो लंदन तो फ्लाइट में जाएंगे पर वापस बक्से में आएंगे। तुम्हारा पीएम। He is not lying, sir. It's the truth. लंदन? लंदन में कौन मारने वाला है? कौन सा ग्रुप?
कोई ग्रुप वूप नहीं है, सिर्फ अकेला है वो। वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा, तुम्हारे देश के गौरव को मिटा देगा। सूरज, सूरज, हे, लगता है वहां पे कोई घुसा है, जाके देखो। कहाँ है वो, बोल। वो मुझे नहीं पता। इरफान, I don't know। इसे एक और डोज दो। डॉक्टर, एक और डोज दे दो। नहीं मत दो, इंजेक्शन मत दो। वो तमिलनाडु में। कौन है बता? बता दो। उसका नाम। उसका नाम? कदीर बेटा, चारे की बोरियां आ गई हैं, मैं अंदर रखवा देता हूँ, जरा संभाल लेना। हाँ, अरे सब ठीक से गिन के रख दो। हाँ हाँ, सब रख दिया, बाद में गिनवा लेंगे, चलो अभी। My son Abhishek. Hi sir, nice to meet you. Hello team, is the convoy ready to move? Kavita Menon from Malayalam Manorama. Yes ma'am. Venkat Raman from Din Garuda. Kalyan Kumar from Express. Kalyan Kumar from Express. There are 3 lakhs Indians in UK. And they happen to be the 3rd largest ethnic group here. Mr. Kalyan Kumar from Express. Hi, yes. थोड़ी जल्दी आ सकते थे ना? जल्दी आकर क्या होता? लेक्चर ही सुनना था ना? What? तो उसके लिए ऐसे लेट आकर? I'll wait there. आप शुरू कीजिए. See, यही कल की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है. Well, I hope all of you will be here tomorrow and support him by giving wide and detailed coverage for this conference. I guess we are done. And see you tomorrow. Bye. Okay, ma'am. Hey, throw it up, man. Careful. Yeah. Our Invest India meet starts in few minutes. If you have any phones, mobiles, and wallets, please place them in the tray here. Next, please, sir. Please open your bag. Next, please.
Mark, clear them from the hazard. Sir, please arrange for the meeting. No, no, I have just came for holiday. Honorable Prime Minister of India, Mr. Chandrakant Verma is here. Thanks. आप सभी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार की शादी पर आया हूं. हम थोड़ा कैजुअली बात करेंगे, ओके? यहां कितने लोगों ने लव मैरिज की है? Hey, Mr. Mahadev. Sir. आपकी बायोग्राफी में कई लव स्टोरीज आती हैं. अभी शांत बैठे हुए. हाँ, ये बात हुई ना, आपकी शादी से पहले का वो म्यूचुअल मैग्नेटिक चार्म, रोज रोज एक दूसरे को देखने की तड़प, बार बार बातें करने की चाह, लेकिन शादी के बाद भी उसी लेवल पर है क्या? या फिर कम हुआ है? हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेधड़क हाथ उठाइए. ओके, सबसे पहले मैं बेधड़क हाथ उठाता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी अब भी यहां पर नहीं है, इसलिए बेधड़क हाथ उठा सकता हूं. अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं? मिसेस नारायण मूर्ति, उन्हें यहां तो कम से कम सच बोलने दीजिए. ओके, अब थोड़ा हम मां के बारे में बात करेंगे. अपने बेटे से कोई मां प्यार ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसी मां ने बचपन में हमें धमकियां देकर खाना खिलाया होगा, मारकर पढ़ाया भी होगा, अगर शैतानी की होगी तो डंडों से मारा भी होगा. उस वक्त हमने माँ को भला बुरा कहा होगा, फिर भी हमारी माँ का जो प्यार हमसे है या फिर अपनी माँ से जो प्यार हम करते हैं, वो कभी कम हो सकता है क्या? भले ही कितनी भी सुविधाओं के साथ आप यहाँ आकर सेटल हो गए हो, ये देश प्रेमिका की तरह है, लेकिन इंडिया हमारी माँ की तरह है. इंडिया में घोटाले, रिश्वत, जातपात, आतंकवाद, ऐसी और भी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, और इसीलिए हमारी सरकार देश की समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से लगी हुई है. उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए. यहां पर सेटल हो चुके इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया की तरक्की में काम आने चाहिए. माय गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू. टू इंस्पायर यू ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फ्यू जेंटलमैन हियर. इंडिया के सेंसेक्स का ऊपर होना या नीचे होना, यह आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्धारित होता है. तो लीजिए, मैं पेश करता हूं मिस्टर विजय माथुर. विश्व के अमीरों में सातवें स्थान पर है. हर देश में इनकी जायदाद है, लेकिन फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने. रबर वैक्यूम मिस्टर अरुण स्वामीनाथ, ये एग्रीकल्चर में सहायक. और अगर सच कहूं तो हमारे देश की इकोनॉमी हमारे देश के बिजनेसमैन पर डिपेंड करती है. मिस्टर राजन महादेव, ये क्या बिजनेस करते हैं बताने से अच्छा होगा कि इन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया. चाहे कोई भी सरकार केंद्र में हो, व्यापार के बारे में मुख्य फैसले लेने से पहले इनसे ही ओपिनियन पोल लेते हैं. So, ये बिना तनख्वाह लेने वाले एडवाइजर हैं. थैंक यू. घर के लिए मेहनत करने वाले को जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन देश के लिए मेहनत करने वाले को गौरवशाली कहते हैं. सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. जय हिंद. थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. गुड स्पीच सर. थैंक यू. क्या अभी ट्रेनिंग ट्रिप? हाँ, अपने वारिस को रेडी कर रहे हैं डैडी? हो ही नहीं सकता अंकल, वो तो मुझे अभी कार में बैठने भी नहीं देते. उनके स्पीच को लाइव देखना ये झूठ बोलकर मैं खुद यहाँ चिपक कर आ गया हूँ. सही वजह बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अंकल, आपकी उम्र के हिसाब से ये सब आपको पूछना नहीं चाहिए, और ना ही मैं बताना चाहता हूँ. ओके ओके, नहीं पूछता और तुम भी मत बताओ. Come on, come on! Move, move!
Open, open the door. Clear, clear, clear. Escorting the Prime Minister en route to the Presidential Palace. लंदन के मेयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। I'm extremely sorry, Mr. Prime Minister. This should never have been allowed to happen in our country. It's all right. It could have happened anywhere. Mm-hmm. I don't know how you remain so calm. It's quite simple. I'm not dead. Well, I don't want to take much of your time. Good day. Kadir, आओ। सर, कदीर वन, सीनियर ऑफिसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस। We are batchmates. बैठिए। यस सर। कई असाइनमेंट्स के लिए पाकिस्तान में 5 साल अंडरकवर ऑफिसर रहे। चश्मा टाउन में न्यूक्लियर वेपन तैयार करने वाले एक प्लांट को दुनिया की नजरों से छुपाकर चला रहे थे, जिसे एविडेंस के साथ एक्सपोज करने के लिए वहाँ के सलून में 6 महीने काम किया। वहाँ आने वाले साइंटिस्ट के हेयर को कट करके सैंपल्स कलेक्ट करके फलों की दुकान चलाने वाले हमारे एजेंट के जरिए इंडिया भेजा था। ये अच्छा फल है, ले लो इसको। शुक्रिया। जब हमारे लैब में उनका टेस्ट किया गया तो उसमें प्लूटोनियम 239 की मौजूदगी पाई गई सर। प्लूटोनियम 239 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के किसी डबल एजेंट के लीक करने की वजह से कदीर और हमारी बाकी टीम को पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया और बहुत टॉर्चर किया। अभी टॉर्चर करने के बाद भी, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, वहां से ये भाग कर इंडिया वापस आ गए। ग्रेट, यू ऑल आर द रियल हीरोज, लेकिन पब्लिक में आपकी तारीफ भी नहीं की जा सकती, ऐसी सर्विस है ये सब सीक्रेट ऑपरेशंस हैं सर, तो तारीफ भी सीक्रेटली मिलती है। इट्स ऑल फॉर द नेशन सर। अभी बताया इन्होंने कि कुड़ई करे हुए मिलिट्री गोडाउन को उड़ाने वाला ऑपरेशन भी तुमने ही पूरा किया था, लेकिन तुम्हें पता है वो ऑपरेशन क्यों हुआ था? नो सर, ना हमें रीजंस बताए जाते हैं ना हम वो पूछते हैं सर। कुड़ई करई में आपने केमिकल वेपन्स खत्म किए थे। जब पड़ोसी देश के साथ किसी का युद्ध होगा तब उस देश की मिलिट्री की हेल्प करने के लिए कुछ हथियारों के साथ साथ चुपचाप से ये केमिकल वेपन्स भी भेजने के लिए तैयार रखे गए थे। इट सेकंड्स यूएन आर्म्स ट्रीटी। इट्स एब्सोल्युटली एन इलीगल स्कैम। ये काम जिसने भी किया इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए, उसे और कितने दिन छुपा कर रखते हैं? यू डिड एब्सोल्युटली राइट। वहां क्या है वो जाने बिना सिक्योरिटी कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बचाया है। केमिकल वेपन शहर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसे साइक्लोन ने मोड़ दिया। पिछले सरकार ने जो गलती की उसके प्रायश्चित के तौर पर हमें इस काम को अंजाम देना पड़ा। यू आर अ गुड एक्टर कदीरवन, सब बात जानते हुए अनजान बनते हुए ये नाटक कर रहे हो ना सर। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा भी करना पड़ता है। लीगली रॉन्ग बट एथिकली राइट, है ना? दुर्योधन ने तीर कमान पकड़ा तो अधर्म, और अगर उसे अर्जुन ने पकड़ा तो वो धर्म कहलाता है। यू हैव मेड माई डे, आई लाइक यू यंग मैन। जोसेफ सर, इन्हें अगर मेरे पास ही रहना हो तो क्या करना होगा? सिंपल सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलीव करवा कर SPG में डिप्यूट करना होगा। हाँ तो करवा दो। ओके सर। Hey buddy, step out. Let me drive the car. Sir, thanks man. You're not supposed to drive here, sir. हाँ मैं जानता हूँ, but I have a date. Please, अरे मुझे stand up protocol, sir. ना यार. Come please, on, sir. Don't worry, sir. I'll be fired, sir. एक घंटे में वापस आ जाऊँगा. Sir, please. ना यार, तुम भी ना. Guys, follow the car. Hold on. Anjali. जा रही हूँ। एक मिनट, मैं अभी आई। His face is covered by the flag. Yeah. Excuse me. सर, जो टेररिस्ट बचकर भागा था वो टाउन की तरफ जा रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? वो एक्सप्रेस रिपोर्टर सर। मैंने कंप्लेंट की थी ना। किसे फोन करूँ सर? नो, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। टावर ब्रिज के नीचे मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, तुरंत फोर्स भिजवाइए प्लीज। ओके, भेजता हूँ। Watch yourself, man. Damn it. All right. Let's do it. Yeah. We in the club now. Come on. Show girls. On the floor. Dirty air, sounds, parts. Here ma, here ma, rade ma, rade ma. Acha tu me andhera, acha tu andar aja. Mere dil bar, mere rehbar.
भरी रात को जी ले अच्छा दिल में अंधेरा आ तू दिल के अंदर आ मेरे दिलवर मेरे रहवर सुन जरा I can't talk to you now. Like assignment, but I'm sorry. Oh, just leave. Investigative journalism. Tumhara double XL size ka dimag. You're over smart. Itty bitty itty bitty waist moves and a grooves and a pole and a dance flow. Witty 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 babe, rhyme with a shine and a take at a zombo. Hip hop and a beatbox, who gonna rub my body off? Big bop, never gonna stop. 3 AM, come and drop me off. क्या करने वाले हैं आज ही देख लेती हूँ. I'll give you company. Your order, please. JD. Double large. Ma'am, for you? I'll have red wine, please. Oh, dil le dil raja sun le hai qatil ye lamhe zara samal le kya soche kyun ye zeher mat kar re hai tanhai tu hai main hu kar le ishq re dekh le zara guna karke maza aayega re aaj mar ke kar de aaj khud ko fana re mana karna bhi hai mana re raja hey I'll be back macha सर पुलिस फोर्स भेज दी मैंने तो उसी समय भेज दिया था चेक कर ले अच्छा दिल में अंधेरा आजा तू अंदर आजा मेरे रहवर सुन जरा आज दिल को दे मिल दे इश्क के गोद में खिल दे मैं कली और तुम हवरा आज रस पी ले जी ले ये है खुशबू के कबीले आज मदहोश तो हो ले कर ले तू मन की मर्जी रात भर रात को जी ले हाँ बोल जोसेफ एक लीड मिला था एक ने सीसीटीवी फिक्स किया था एंड देयर वाज अ गाय विद अ लॉन्ग हेयर मैं उसे फॉलो कर रहा था लेकिन एक लड़की ने सब बर्बाद उस लड़की को छोड़ो उन लोगों को देखो तुम कहीं भागना नहीं हो पुलिस आने वाली है तुम्हें पकड़वाना है सॉरी ए तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है तुमने मेरी गर्दन पकड़ी है हाथ हटा ए मेरे बेडरूम में कैसे आ गए यही किस्मत है मेरी शांति से लेटी रहो क्या कहा मैं लेटी रहूं ए टेररिस्ट क्या कर रही हो डोंट टच मी चाकू मत उठाओ डोंट प्ले विद दैट दूर रहो मुझसे अरे लग जाएगा छोड़ो मुझे दूर रहो मुझसे हाथ मत लगा अरे मुझे दो ना चाकू से चोट लग जाएगी छोड़ो मुझे दूर रहो अरे मैं कुछ नहीं करूंगा छोड़ो मुझे क्या कर रही हो तुम ए गिर जाओगी नीचे कांच का टेबल है अंजलि मुझे बहुत नींद आ रही है ए कहाँ है तू अंजलि के रूम में हाँ दो मिनट रुको सांस फूल रही है अरे बाप रे क्या किया तूने उसके साथ ए मैंने कुछ नहीं किया इसी ने मेरी हालत खराब की है बस चार राउंड मारे हैं क्या चार राउंड ए किससे बात कर रहे हो तुम चल यार वो बहुत गुस्सा कर रही है मतलब पांचवा राउंड भी पांचवे राउंड के लिए दारू कहाँ है यार क्या मैं बाद में फोन करता पुलिस आ गई क्या आएगी बस वेट करो तुम्हें पकड़ कर उन्हें देना है हेलो मैडम टाइम इज 4:30 ऑलरेडी वी आर लेट मैडम अगले 10 मिनट पे एयरपोर्ट पहुंचना है ओह गॉड ओके मैं रेडी होकर आती हूं छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो Thanks for the memorable night. No! Hey,
हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी का मैटर बता ना। हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी हाँ। वो कौन है यार? तुम्हारी वाली थी, तुम ही बता। अरे वो तो हाँ? आप इससे बात कर रहे हैं सर? आपको पता है ये कौन है? क्रिमिनल अंजलि, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है। अगर ये ना होते तो पापा मर जाते। आप लंदन में किसी बार में गए थे क्या? हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। हमें पता चला अंजलि, वाइन में ही इतना हंगामा। ओह माय गॉड, और क्या बताया? सिर्फ बार की बात बताइए, रूम की बात नहीं बोली। बाकी बातें हम फ्लाइट में करेंगे। कम, लेट्स गो। अच्छा, ओके ओके। हेलो, और बताओ, तुम चाहे जो भी हो, कोई बात नहीं। प्लीज एक बात बताओ, रूम में कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ नहीं मतलब? आई मीन वो मतलब क्या? थैंक्स फॉर द मेमोरेबल नाइट लिखा था, ऐसा क्या हुआ था हमारे बीच? देखो, मैंने भी तुम्हारे साथ दारू पी थी ना, मैं भी थोड़ा सा ब्लैंक हूं। अगर कुछ हुआ भी होगा तो बाद में पता लगा लेंगे। पर कैसे? मैडम, और सेक्रेटरी चेक दिस साइड। फ्लाइट इज सिक्योर्ड, यू कैन प्रोसीड। ओके सर, सिक्योर्ड फॉर अप्रोच। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट्स बीन अ प्लेजर, होप यू हैव अ गुड फ्लाइट। दिस ट्रिप वाज एन एब्सोल्यूट आई ओपनर, फैबुलस। सो आई विल टेक योर लीव सर। ओह व्हाई, यू आर नॉट कमिंग? मैं आपके पीछे ही आ रहा हूं। पीछे? मेरे पास प्राइवेट जेट है। नो, कम विद मी, आई नीड टू स्पीक विद यू, कम ऑन, कम। ओके, इट्स माय प्लेजर। क्या कैसे? तुमने कहा था ना अगर कुछ हुआ होगा तो हम पता लगा लेंगे, पर कैसे? ओह अच्छा वो हाँ। या लेट्स चेक नाउ। तुम्हारे बॉडी में मार खाने के बाद दर्द होता है, वैसा हो रहा है? हाँ। मुझे भी हो रहा है। लिप्स में एक बर्निंग सेंसेशन है। हाँ है ना। सुबह उठने के बाद रोलर कोस्टर की तरह बॉडी झटके दे रही थी क्या? हाँ दे रही थी। आई थिंक समथिंग हैज हैपेंड, ऐसा लग रहा है। थोड़े दिन वेट करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। पर कैसे? तुम पेट को टी शर्ट में छुपा नहीं पाओगी ना? मैं एक संस्कारी लड़की हूँ। संस्कारी? जैसा तुम चाह रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हैप्पी? हम जा रहे थे, तुम भी ना? छी, और नहीं तो क्या। अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, रियल नेम? अरे बाप रे, नाम जाने बिना मेरे साथ दारू पी ली, यही तुम्हारे संस्कार है क्या? कम ऑन, टेल मी नाउ। कदर, कदर वन। देखो कदर, कल जो हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाना, अगर उस बात को लेकर मेरा पीछा किया ना तो गोली मार दूंगी। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए? क्या हुआ यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? लड़कियों की नाम ही हाँ होती है। ए कदीर, लो ये भी आ गया। वो हैदराबादी बिरयानी वाली आंटी की कहानी का क्या हुआ, वही तो जानने आया हूँ। ए मेरा बस उसमें गेस्ट रोल था, सर हीरो थे। सर बताइए। दरअसल आंटी के 40+ होंगे। आंटी तो होती ही 40+ है ना। मैं उम्र नहीं बता रहा यार। ओपनिंग तो बड़ी मस्त है, कंटिन्यू। चार्ली 259 नॉर्थ ईस्ट वॉल पर एक गाड़ी रुकी हुई है, उसे गाड़ी हटाने के लिए कहो। चार्ली कॉपी सर, वो एक टूरिस्ट वैन है, उसे जल्दी से क्लियर कर देवन। यस सर। रिलैक्स, अभी यहाँ कोई मिलिट्री परेड तो नहीं हो रही है ना? बी कैजुअल, चिल मैन। सिर्फ शरीर के लिए एक्सरसाइज करना काफी होता है क्या? हाँ, जिंदगी की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए ना। ऐसे रोबो की तरह बात करते रहोगे तो मैं तुमसे क्या बात कर पाऊंगा? लेट मी गेट दिस सर। नो, इट इज नॉट योर जॉब। तुम्हारी शादी हो गई क्या कदीरवन? अभी तक नहीं सर। क्यों? माँ ने कहा है पहचान के कोई लड़की देखेंगी, लेकिन लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा। ओ, अच्छा, और ये प्यार व्यार ऐसा कुछ था सर? उसका नाम कविता था। ओ, नाम बहुत अच्छा सर। दिखने में तो उससे भी अच्छी थी सर। ओ, बहुत मेहनत करके उसे किसी तरह पटा लिया था, पट भी गई थी सर। बहुत खूब, फिर आगे? लेकिन जैसे ही मैंने शादी का सोचा तो मुझे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ड्यूटी पर भेज दिया। बाप रे। 9 महीने बाद आकर उसे मिलने गया तो वो हाँ 6 महीने प्रेग्नेंट निकली सर। रुको, अगर तुम 9 महीने के लिए बाहर थे तो वो 6 महीने की प्रेग्नेंट कैसे? बीच में आकर वापस गए थे क्या? नहीं नहीं, वो मैं नहीं था सर, किसी और के साथ उसकी शादी करवा दी गई थी। इट्स फनी, मेरा कम्युनिकेशन क्या कट हो गया, प्यार भी कट हो गया, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा, लेकिन घर में बिना लेडीज के चलता कैसे? वो तो मैं घर में खुद ही अपने आप से है? सर आप खाने के बारे में ही पूछ रहे हैं। अच्छा, गोविंद राव, इन करेलों के पौधों पर फूल बहुत आ रहे हैं, लेकिन केले क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं तो रोज दवा छिड़क रहा हूँ साहब, पता नहीं क्यों। इतनी दवा छिड़कोगे तो भवरे नहीं आएंगे, उनका मिलाप कैसे होगा? उसके लिए क्या करना होगा सर? हैंड पॉलिनेशन करना होगा।
ये पुरुष फूल है सर, और ये स्त्री फूल है। इसी पर सब्जी आती है। इस पुरुष फूल को ऐसे झिक 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 करोगे, दो तीन बार ऐसे घिस देंगे तो प्राकृतिक मिलाप हो जाएगा। ऐसे ये फूल घिस दो, दो दिन में सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, काफी समझदार इंसान हो तुम तो। तुम तो फूलों का भी प्रसव करवा के छोड़ोगे। अभी तक सो रहे हो तुम? तुम्हारे पापा वॉक करके आ भी चुके हैं। उठो उठो जल्दी उठो। ये लो, क्या कर रहे हो? लो पहनो, पहनो। लो, अरे मुझे दीजिए जल्दी। लेट नाइट पार्टी मत किया करो, कितनी बार कहा है। माधव जरा घर की साफ सफाई पर ध्यान दो। ठीक है ना? ठीक है मैली, तुम भी कोई एक्सरसाइज कर रही हो जो इतना पसीना आ रहा है? हाँ, आप ही ने कहा था ना कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है इसीलिए। अरे कितना पसीना है, कब से एक्सरसाइज कर रहा है ये? एक घंटे से। 30 मिनट्स पहले एक बार 30 मिनट्स, उसके बाद एक ब्रेक, उसके बाद फिर से 30 मिनट्स। माँ दोनों बार का मिला करके। अच्छा बच्चा है, तुम ही इसे बिगाड़ रही हो। तंजावुर जिला के विजय गांव के लोग भूमिगत सुरंग बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। अपने इस अनशन को तंजावुर जिला के महानगर पालिका के सामने शुरू कर चुके हैं। कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में भारतीय सेना के 14 रेजिमेंट के सैनिक जब अपने टेंट में सो रहे थे, तब आतंकवादियों द्वारा किए गए अचानक हमले में हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। किस आतंकवादी को? कैसी दरिंदगी की परिभाषा है ये? ये सब और कितने दिन तक चलने वाला है? आखिर कब हुआ ये सब? आज सुबह 5 बजे हुआ सर। तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? मालूम है इस महीने का ये चौथा अटैक है। पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुलाइए, बात करनी है। ऑफिस में बुलाऊं क्या? नहीं 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 नहीं, यहीं बुलाइए, आधे घंटे के अंदर। यस सर। डिफेंस को भेज दीजिए और हाँ, IRM को भी बुलवाइए। शर्मनाक और बहुत बड़ा हमला हुआ है। 20 लोगों को सरेआम मार कर गए हैं वो। So the defense minister should be sacked and the prime minister should resign। अगर यही हालात चलते रहे। और इसको भी बुलाइए। देश में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। नमस्ते परमेश्वर जी। नमस्ते सिकंदर। सरकार में क्या जबरदस्त उथल पुथल है, अब क्या छुपाने के लिए वर्मा ने मुझे यहाँ बुलाया है? क्यों चाचा, इस दाढ़ी के पीछे जरूर कोई लव स्टोरी है, बताइए प्लीज बताइए। बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मिस्टर जलालुद्दीन? फाइन परमेश्वर जी। हमारी सरकार में ही आपके देश में ट्रेन शुरू हुई थी। यस, दोज वर गोल्डन टाइम्स, पीसफुल डेज। उसी ट्रेन से बैंगन गेहूं आलू पाकिस्तान से आया करते थे। दैट्स ट्रू। और यहाँ कीमतें भी कम थी। ट्रेन से सिर्फ गेहूं चावल नहीं आए थे अंकल, टेररिस्ट भी आए थे। 10 बम ब्लास्ट और 200 लोग मर गए थे ड्यूरिंग दोज पीसफुल डेज। अभी वो देश के एम्बेसडर है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। अरे ये क्या कर रहे हैं जी? पूजा कर रहे हैं। मेरा भगवान तो तुम ही हो ना? हाँ। मिस्टर जलालुद्दीन, अगली बार जब आपके पीएम यहाँ आए तो बताइएगा जरूर। शरफुद्दीन जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पीएम सर। दिस इज नॉट अ गुड मॉर्निंग मिस्टर जलालुद्दीन। व्हाई, आर यू नॉट फीलिंग वेल? नॉट मी, इंडिया। आज कश्मीर के बॉर्डर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपके मिलिट्री द्वारा किए हुए काम का आप क्या जवाब देंगे? आपके देश में आंधी चले तो भी हम ही कारण है, फ्लड्स आ जाए तो भी वो हमारी वजह से। दिस इज एन ऑफेंसिव चार्ज पीएमजी। अभी यू गो आउट। मिस्टर जलालुद्दीन, जितना दिखा सकते थे उतना ही टीवी न्यूज में दिखाया गया। आई विल शो यू सम अदर फुटेज नाउ। लुक, इस फुटेज को हमारी आर्मी ने हमें भेजा है। तो ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं सर? आपकी मिलिट्री ने जो किया है तो आपको ही दिखाएंगे ना। ये हमारी मिलिट्री ने किया है, ये आप कैसे कह सकते हैं? किसी को अरेस्ट किया है क्या, या किसी ने स्टेटमेंट दिया है? हादसा हुआ है, वो भी आपकी टेरिटरी में। इंडिया में कुल 65 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये आपने खुद अपनी पार्लियामेंट में कहा है। उनमें से पता नहीं किस ग्रुप ने किया होगा पीएमजी। मिस्टर जलालुद्दीन, जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेंगे फिर बात होगी ना। लेकिन हमने जो किया ही नहीं उसकी जिम्मेदारी कैसे लें? बी रियलिस्टिक सिकंदर जी, स्टॉप ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग। कोई स्ट्रांग एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद बुलवाते तो अच्छा रहता। अगर ऐसा करते तो हमें इतना सुनना नहीं पड़ता वर्मा जी। ऐसे बिना किसी प्रूफ के ओपन एलिगेशन करना ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। व्हाट मिस्टर परमेश्वर सेज इज अ वैलिड पॉइंट। वेल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आई नीड टू गेट बैक टू द एम्बेसी। गुड डे। सिट डाउन मिस्टर जलालुद्दीन।
अटैक करने वाला आपकी मिलिट्री का ही है। ही इज आमीज खान, सेकंड लेफ्टिनेंट इन आजाद कश्मीर रेजिमेंट। दुनिया में 7 लोग एक ही चेहरे के होते हैं, इस तरह की बकवास करने वाले हो क्या? क्या समझते हैं खुद को तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? आप शांत बैठे शेर को खामखा उंगली कर रहे हैं। पलटवार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमेशा शांति के कबूतर नहीं उड़ाए जा सकते। लेट मी रिमाइंड यू अबाउट सियाचिन कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ वही चाहता है कि आपका पाकिस्तान। हमारे पीएम अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं, सारे इश्यूज पर बात कर लेंगे सर। नो, आई एम कैंसलिंग द प्रोग्राम। उनसे कहो कि वो पहले अपने मिलिट्री चीफ से जाकर मिले। आस्क हिम टू स्टॉप दिस बार्बरिक ब्रूटल ब्लड गेम। पाकिस्तान के सपोर्ट के साथ जितने भी ग्रुप्स यहाँ पर हैं, उन्हें तुरंत बैन करने को कहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद आऊंगा आपके देश, आपके पीएम के साथ चाय पीने के लिए। सर वो वी आर डन, यू मे गो नाउ। वर्मा, ये उन्हें प्रवोक कर देगा। इस तरह गुस्से में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है, आराम से हैंडल करना चाहिए। हमने अपनी सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हे, हमारी सरहद पर अगर मरने वाले तुम्हारे जैसे स्वार्थी और करप्ट नेता होते तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आया होता। लेकिन वहां पर सर अलग थड़ अलग पड़े हुए वो सब जान देने वाले, धूप बारिश गर्मी की परवाह ना करते हुए देश की रक्षा करने वाले हमारे सोल्जर्स हैं। थैंक यू कदीरवन, आमिज खान ही था। कैसे तुमने इतना सही से बताया? सर प्लीज, हमें इसको रोकना होगा कदीरवन। हेलो, वेट, देखकर अनदेखा करके जा रहे हो? ठीक है, मैंने कहा था कि सब भूल जाओ, लेकिन तुम एक बार हाय तो कह सकते हो ना? हाय, बाय। वेट, ये लो, सुना है किताबें बहुत पढ़ते हो। किसने कहा? जोसेफ ने कहा था। तुम्हारे लिए ढूंढकर स्पेशली नहीं लाई हूँ, 60% डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने खरीद ली। बुक दे रही हूँ तो ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, समझे ना? समझ गया। इस सब का मतलब कहीं प्यार मत समझ लेना, ऐसे ही बस दोस्ती में दे दी। वेलकम सर। आइए मिस्टर, कैसे हैं आप? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कहिए बिजनेस चक्रवर्ती, अचानक ही मिलने चले आए, मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी। जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठे। लेकिन है तो ये सच ही ना, महाराष्ट्र में स्टीमर बनाने वाली कंपनी, गुजरात में नाव बनाने वाली कंपनी, पेट्रोल, कोयला, मार्बल, सीमेंट, आयरन, रियल एस्टेट, हर जगह पर तो आप ही आप हैं। बम भी बनाते हो, प्याज भी बेचते हो, सेलफोन भी बेचते हैं, चप्पल भी बेचते हैं, बस एक ही कमी है कि चूना नहीं बेचते। हाँ जी, लेकिन ये सब एक ही दिन में अचानक कोई कौवा मेरी झोली में नहीं डाल गया। चावल की बोरियां उठाई हैं, पेट्रोल पंप में काम किया है मैंने, नीचे से शुरुआत करके एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर आया हूं मैं। ये सब हुआ है आपकी मेहनत से। नो 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 नो, सिर्फ उतना ही नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए। आप सिग्नेचर करते हैं तब जाकर मैं एक नई फैक्ट्री खोल पाता हूँ, और आप ही की सिग्नेचर से फैक्ट्री बंद भी हो सकती है। अब ये बताओ कौन सी फैक्ट्री खोलने के लिए मुझे साइन करने हैं? नो सर, आज यहाँ ये अपने काम के लिए नहीं आए हैं। आपने कहा था ना कि बार बार हमें उकसाने वाले पाकिस्तान को हमें सही ढंग से जवाब देना है, उसी सिलसिले में एक आइडिया आपसे डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर आइडियाज, बताइए। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन, कभी सीधे मुंह सामना नहीं करता, पीठ पीछे वार करता है। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जी भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। हमें उन्हें भी ऐसी ही कोई छुपी हुई मार देनी होगी, ऐसी मार कि दुनिया में किसी को पता भी ना चले, यहां तक कि मार खाने वाले को भी पता ना चले। सीम्स एक्साइटिंग, एक्सप्लेन कीजिए। शोहिम, कदीर सर, मैं बाद में बुलाऊंगा तुम जरा। Yes, sir.
हैप्पी एनिवर्सरी यार। वो तो विस्की भी पीती है। जोसेफ ने आदत डाली है। जोसेफ, एनिवर्सरी में प्रिया को क्या गिफ्ट दे रहे हो? ऐसी कोई आदत नहीं है इन्हें। क्या यार, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं हूँ, अलग से गिफ्ट चाहिए क्या? सिगरेट पी है तुमने? पिटेगा। तुमने तो कहा था कि छोड़ दी है। अरे यार तुम तो। ओके, ये बताओ कि तुम दोनों में से पहले प्रपोज किसने किया था? वो एक दिन बस स्टॉप पर। ये जी मुझे अच्छे से याद है। आजा आजा आजा, तुम लोग एक्टिंग करके दिखाओ। हम सबको देखना है, ये तुम्हारा बस स्टॉप है। कम ऑन, एक्शन। ठीक है, ये है मेरी कॉलेज बुक और हमारी जूली बनेगी डॉगी। ठीक है, क्या देख रहे हो? अरे इसे देख रहा हूँ यार, लड़कियों के दिलों में बैठ जाता है। ये बस स्टैंड खाली है, तुम लोग भी आ जाओ ना। ओके रेडी कंटिन्यू। प्रिया के रूट पर जाने वाली बसें निकलती जा रही हैं। ओके बस रेडी। लेकिन प्रिया किसी भी बस में चढ़े बिना बाहर खड़ी है। बस रामनगर चलोगे क्या? हाँ। अगर तुम चढ़ोगे तो जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। ये उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। ये लो इसे पकड़ो। वाह वाह क्या क्रिएटिव टच। मैं पूरी तरह से भीग रहा था। बहुत भीग गया। क्या कर रहे यार? अरे जरूरी है यार, इसी को तो फील आएगी। बारिश खत्म होने से पहले आगे सुना। और फिर मैं लव लेटर लेकर धीरे धीरे इनके पास जाकर खड़ा ही हुआ था। हेलो, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? देखो जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो। हाँ क्या कहूँ मैं? जैसे आपने अपने छाते में इस डॉगी को जगह दी है, उसी तरह से आप अपनी जिंदगी में मुझे जगह देंगी क्या? थोड़ा और अच्छे से कह सकते थे ना। तो फिर अच्छी तरह से कहता हूँ। मेरी माँ किसी रिश्तेदार की लड़की से शादी करने का कहकर मुझे टॉर्चर कर रही है, पर मैं शादी तुम्हीं से करूँगा वरना ये जहर पी लूंगा। ऐसी धमकी देकर आया हूँ उन्हें। जहर पी लो? सच कह रही हूँ? तो पी लो ना। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ ये बताओ तो। हाँ बताना तो पड़ेगा। में ट्विस्ट है क्या? उसके बाद जमीन पर जो जहर फैला था उसे डॉगी ने चाटना शुरू कर दिया। ये तो डर गई कि डॉगी कहीं मर ना जाए। उसके बाद मैंने इन्हें बताया कि वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो जहर था ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे शहर लाने के लिए कहा था। क्या कर रही है? सॉरी रोटी का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। ठीक है, अरे खाना खा कर जाओ ना, बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। प्रिया भूख लग रही है, क्रीमी पेस्ट्री बना देती हूँ। ठीक है, लेट मी हेल्प यू प्रिया। जल्दी बना के लाना। वार्तालाप स्थगित कर दी गई है। तुम्हारी ड्रिंक। कल शाम को पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के रेजिमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अमीज खान के साथ कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। इस भयंकर हमले को किसने अंजाम दिया है ये अब तक ये तेरा ही काम है ना? मुझे क्या पता? तेरे मुस्कान से पता चल रहा है दोस्त की ये तूने किया है। कहीं भी कुछ भी हो गया तो मैं ही जिम्मेदार हूँ क्या? मैंने प्लान तो बनाया था लेकिन इतनी जल्दी खड़ा हो गया। हैदराबाद वाली आंटी है क्या? हम बात कर लें। बहुत बड़ा कंजूस है तू। सोचा था 5th एनिवर्सरी पर डायमंड नेकलेस दोगे। सर किस देकर डरका दिया? क्या ढूंढ रहा है? पेन पेपर? लैम शेड के नीचे रखा है देख। आफ्टर ऑल 8 नंबर याद नहीं कर सकता क्या? तुम लोगों का इंटेलिजेंस पर रहना ही वेस्ट है। त्रिची का कोड है। आ बुद्धिमानो, तिरुची एयरपोर्ट। हे कौन है तू? पता है ना किससे बात कर रहा है? एक एसपीजी का डायरेक्टर है ना तू। तेरी पत्नी तो तुझे इज्जत भी नहीं देती भाई। तेरे दोस्त से उसे बहुत लगाव है। थोड़ा घर पे भी ध्यान दिया करो भाई। अब एक कमीने, जबान संभाल कर। यस, मैं थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ। उससे भी ज्यादा बड़े मेरे हाथ हैं। पता है कितने बड़े? यहाँ से हाथ बढ़ाओ तो वो क्या नाम है उसका? पत्नी ने जिसका नाम जूली रखा है उस तक पहुंच सकता हूं। जैसे जूली को गोली मारी है तेरी पत्नी को भी मार सकता हूं, तुम लोगों को भी मार सकता हूं। बस उससे पहले डेमो दिखाना था। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। कदीर, कदीर। सॉरी प्रिया, वो हाथ से हाँ वो फिसल गया। क्यों, ज्यादा पी ली है क्या? तुम लोगों को ही क्लीन करना पड़ेगा, पता नहीं कब अकल आएगी।
कदीर, शैंडलियर में ये बग छुपाया हुआ था। सीधे एसपीजी डायरेक्टर के घर पे बग किया। मुझे आईबी को इन्फॉर्म करना होगा। तुम त्रिची एयरपोर्ट के सीसीटीवी को चेक करने के लिए बोलो। लेकिन फुटेज किस लिए? इससे तो ना वही है। क्या बात है, आखिर पकड़ ही लिया। लेकिन उसे वहां बांध कर सच उगलवाओगे तो कैसे बताएगा? नजदीक जाकर दो लगाकर पूछो ना, देखते हैं क्या बताता है। ये सब मैं कहां से देख रहा हूं, यही सोच रहा हूं ना। जोसेफ, हेलो, सी यू इन कश्मीर। कश्मीर? उसने हमसे ऑलमोस्ट 4 मिनट बात की जी सर। तो आप चेक कीजिए कि मुंह छुपाकर बात करने वाले कितने लोग मिल रहे हैं। ओके सर। वहां स्टैंड पे एक फोन लगाना जी। जरा जूम इन कीजिए प्लीज। हाँ। यही है, शक्ल ना दिखे इसीलिए चेहरा छुपाकर बात कर रहा है। जैकेट को अच्छी तरह से देख लो। त्रिची एयरपोर्ट की पुलिस को फोन करके पूरे एयरपोर्ट में से ढूंढने के लिए कहो। के पास एक बैग पड़ा है, जरा चेक कर लो। एक्सक्यूज मी सर, योर आईडी प्लीज। सर, बॉम्ब ब्लास्ट एट द एयरपोर्ट। व्हाट? उसी फोन बूथ पर। हे, थोड़ा बैक करो। जूम इन ऑन द बैग। सर, फॉर्चुनेटली किसी को चोट नहीं पहुंची है सर। पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए ब्लास्ट हुआ है। वो एक हार्मलेस बॉम्ब था। नहीं यार, समथिंग इज फिशी। बैग और जैकेट पर एक ही सिंबल था। वो कुछ कहना चाहता है, यही जानना है कि उसे कहना क्या है। हेलो। यस सर। ये ट्रिप कब कंफर्म हुआ सर? ओके सर, बाढ़ राहत प्रोग्राम में कश्मीर जा रहे हैं पीएम। एडवांस में हमें जाने के लिए कहा है, 1 घंटे पहले ही प्रोग्राम तय हुआ। देखा, हम कश्मीर जाने वाले हैं, ये बात 1 घंटे पहले कंफर्म हुई है। तो फिर उससे कैसे पता चला? डोंट टच माय टर्बन। विकी, तुम्हारी बाईं ओर कुछ लोग काला झंडा लेकर बैठे हैं, उन्हें क्लियर करो। ओके, चलो आओ। देखिए सर, ये ब्रिज बाढ़ में टूट गया था, इसकी वजह से लोगों को 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लीड वन टू ईगल वन, हम लोग 3 मिनट में ब्रिज क्रॉस कर लेंगे। विक्टर ईटीए 5 मिनट्स, ओवर। कदीर सर, सिलिफेरा के बारे में कुछ जानते हो क्या? डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? सिलिफेरा? Not exactly sir, but एक तरह का इंसेक्ट होता है शायद। Shall I check on it sir? No, no, it's okay. It's okay. Sir, huh? You are in too much stress nowadays. BP भी shoot up होने लगा है। थोड़ा relax कीजिए ना sir. Okay, I'll change to relax mood. E2 to E6, report status. क्या कदीर? Sir, शादी कब कर रहे हो? कुछ समझा नहीं sir. पूरे South Block में चर्चा है तुम्हारे प्रेम ग्रंथ के बारे में। Sir, कदीर, और देर की तो फिर मुझे ही तुमने जैसे करेले के फूलों को चिक्की मुक्की की थी ना, वैसे तुम दोनों की शादी के लिए हैंड पॉलिनेशन करनी होगी। एक मिनट, एक बार वापस आओ। गन के साथ आ रहा है फिर भी ग्रीन लाइट जल रही है। अब्दुल, ये स्कैनर काम नहीं कर रहा, इन सभी को दूसरी जगह से एंट्री करवाओ। सर प्लीज, आप दूसरी तरफ से आ जाइए। एमएलए को रोक रहा है। अरे हमें जाने से जाएंगे। डीप साउंड नहीं आ रही है ना, ये बात क्रॉस करने वाले को पता नहीं, शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, आप आइए सर। फंक्शन खत्म होने दो, सबको देख लूंगा मैं। E1 to E6, B section में ब्राउन ड्रेस पहनी हुई लड़की, उसे जरा चेक करो। चेकिंग सर। हाँ अच्छा, फिर क्या? ओह, I'm sorry, she is clear, nothing to worry sir.
मैं जो कहने आया था वो इन बच्चों ने ही गाकर सुना दिया। इस गाने को किसने लिखा? गाना मैंने लिखा है, धुन इन्होंने तैयार की है। हाँ। एक मुस्लिम टीचर ने यह गाना लिखा और हिंदू टीचर ने धुन तैयार की। स्वच्छ और निस्वार्थ इन बच्चों की आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत ही गदगद हो उठा। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रथम चरण में 1,000 करोड़ रुपए मैं अपने फंड से दे रहा हूँ। बाढ़ की वजह से हुए सभी नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जाएगी। बारिश हवा प्रकृति का दिया वरदान होता है, हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को दुख पहुंचाता है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, बस यही सोच रहा हूं। अपनी त्रुटियां सही करने में प्रकृति का अपना एक तरीका है। हर एक स्टेज पर अपनी ताकत को बढ़ा के वो बल से आगे बढ़ती है, यही प्रकृति ने हमें सिखाया है। एक अद्भुत मैसेज, लेसन एंड एडवाइस। हमें अपनी गलतियों को अपनी अगली पीढ़ी तक ना बढ़ाकर रोकना होगा। धर्म के नाम पर कई सालों से चली आ रही पड़ोसी देश की बातों में आकर बेकसूर लोग बुरी तरह से जूझ रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना। राइट से 3 o'clock उसका बैग चेक करो। रॉजर, कुछ नौजवान गलत राह की ओर निकल चुके हैं। सबसे पहले बच्चों के दिल में प्यार और अहिंसा की भावना बनाए रखनी होगी। ये बच्चे एक दिन जब आगे चलकर नौजवान हो जाएंगे, कश्मीर भी एक स्वर्ग भूमि में तब्दील हो जाएगी। सुंदर और शांत कश्मीर दोबारा वापस लेकर आना ही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद। जय हिंद। सर, लैंडमाइंस में विकलांग हुए लोग भी आए हैं सर। सो वी नीड टू लीव सर। सर, एक मिनट के लिए मिलेंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे। आई नो, कहाँ पर है? वहाँ पर है सर। नो सर। हाँ, देयर इज चेंज इन विक्टर रोड। अंजलि, ये शेड्यूल में नहीं है, प्रोटोकॉल समझती हो ना? इट्स अ गुड फोटो अपॉर्चुनिटी, कल न्यूज में आएगा तो बहुत कैची होगा। नमस्ते, नमस्ते सर। कैसे हो बेटा? ठीक हो सर। सलाम सर। नाम क्या है? अबू सलीम। नमस्ते वीर सैनिकों। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अब्बास। ईगल वन, डू यू कॉपी? हु इज दिस? एसपीजी नेटवर्क। आफ्टर ऑल यू हैव बीन हैक्ड और अब मैं और तुम बात करने वाले हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं एक और डेमो दिखाऊंगा, गुलाब के फूलों जैसे। एकदम मासूम से बच्चे, तुम्हारे बीएम उनके साथ थोड़ी देर और वक्त गुजार सकते थे। उन बच्चों में ही भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, किसान या एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम को मारने वाला मेरे जैसा एक खतरनाक राक्षस भी उनके बीच हो सकता है। मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी पकड़ लिया। तेरे पीएम के लिए लगाया था, वो तो जल्दी निकल गए। बेचारे ये बच्चे वहां फंसे रह गए। बस और 25 seconds। नो, बच्चे गेट अप, गेट अप। 10। सर डाउन प्लीज, सर यहां से निकलिए सर, जल्दी। कम ऑन सर, प्लीज आइए। Come on, fast! Move, move! Sir, are you please? Move! Move! Move, sir, move! Move! Move!
जाएगा। सर यहाँ पर है। सर आपको कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस जोसेफ। इन बच्चों की जान बचाने के लिए अगर एक की बलि देने से 100 लोगों की जान बच सकती नहीं, है नहीं तो उसमें कुछ गलत नहीं। नहीं नहीं सर एम्बुलेंस सर 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 आपको कुछ नहीं होगा सर। स्टे विद अस एम्बुलेंस सर 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 माय डियर कदर, तुमने जो किया वो सही था या गलत? दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द गेम। फिर हारने के लिए बुरा काम करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाया था ना, इसलिए वर्मा जी से उन्होंने बदला लिया। जरूर इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। लापरवाह एसपीजी इस हादसे की जिम्मेदार है। सॉरी, माय डीप कंडोलेंसेस टू योर फैमिली। Congratulations, next Prime Minister. Thank you, sir. Stop it, I say. Give me a straight answer. Sir, PM की जान को खतरा था, लेकिन इसका सिर्फ शक था। पर उन बच्चों के पास रखा बॉम्ब मुझे साफ साफ दिख रहा था। Hello, PM की रक्षा करना ही तुम्हारी ड्यूटी थी। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो रूल्स हमारी ब्लू बुक की बाइबल की तरह है। हमारी ड्यूटी में देयर इज नो प्लेस फॉर सेंटीमेंट्स। अगर तुम चाहते तो पीएम को बचा सकते थे। मिस्टर कादर, जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती यू आर सस्पेंडेड। चंद्रकांत वर्मा के देहांत के बाद अगला पीएम कौन बनने वाला है, इसके लिए पार्टी के ऑफिस में बहुत भीड़ जमा हो चुकी है। यहाँ पे दो मुख्य गुटों में झगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी में सभी का मत एक न देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी दो भागों में बढ़ सकती है। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। ये कोई लड़ने का वक्त है क्या? इस परिस्थिति में पार्टी के लोगों को भी बचाना है, और अगर उसे बचा सकता है कोई तो वो है अभिषेक वर्मा। जो भी इस फैसले दूसरा कोई भी आए चलेगा, हाथ ऊपर उठाए। लेकिन सिकंदर किसी भी कीमत में ना। सही कहा। भारतीय राजनीति में एक और मोड़। भारत के इतिहास में देश के लिए कुछ अच्छा सोचने वाले महान नेता आए हैं, और उसी में से आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रकांत वर्मा के बेटे अभिषेक वर्मा भारत के अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पक्का ये जैश मोहम्मद है। बॉम्ब्स एक्टिव करने का जो मेथड यूज किया है देखो। कदीर, हमेशा पीएम के साथ रहने वाली अंजलि बॉम्ब के फटने से पहले दूर क्यों जा रही थी? हर चीज को पुलिस की नजर से मत देखो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर जोसेफ। हेलो मिस्टर मनोज, हाउ आर यू? यू आर कदीर राइट? यस सर। एक सस्पेंड ऑफिसर का यहाँ पर क्या काम है? हाउ कैन यू कम? सर मैं ही इसे लेकर। दिस इज नॉट राइट। प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के समय ही कैन नॉट कम। दिस इज टॉप सीक्रेट। टेंशन मत लीजिए सर। ही जस्ट वांट टू नो हाउ इट हैपेंड। मैं इनको जानकारी क्यों दूं? क्या अधिकार है इनके पास? देखो, इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। जब बुलाया जाए तुम तब आना। यू कैन लीव नाउ। क्या देख रहे हो? व्हाट? जिप। ओह शिट। टेंशन मत लीजिए सर। जिप सही है। चर्बी बहुत चढ़ गई है इसको। सर, सर, सर। सर, लैंडमाइन में विकलांग हुए लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ पर? ओ वहाँ पर सर। नो सर। कादिर, कादिर, आओ। अंजलि ये शेड्यूल में नहीं है। तुम प्रोटोकॉल समझती हो ना? नमस्ते।
Sanico. SPG's network, after all, you have been hacked. अब मैं और तुम ही बात करने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि तुझे एक और डेमो दिखाऊंगा। जोसेफ, लुक अप, 10 o'clock। ऊपर ये खिड़की दिख रही है जहां कबूतर बैठे हैं। फॉरेंसिक टीम को यहां लेकर आ जा। या तो तू डरपोक है या तेरी आवाज ना पहचान जाऊं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। तेरे आदमी को तो पकड़ लिया, एक दिन तुझे भी पकड़ लूंगा। उस दिन पछताएगा कि तूने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम। जब हम किसी को फोन करते हैं और सामने वाला उसे अटेंड करके ऐसा कहे कि वो उसका जवाब नहीं दे सकता, तो फोन में गड़बड़ नहीं, फोन अटेंड करने वाले में गड़बड़ होती है। डिस्ट्रॉय द फोन, इडियट। सर, सस्पेक्ट के बहुत से एविडेंस मिले हैं। वी माइट गेट अ बिग ब्रेक। वेरी गुड। इस जगह का पता किसने लगाया? वी मस्ट अप्रिशिएट हिम। वो रहे सर, ग्रीन शर्ट। वेयर आर यू हियर? मैं किसे बोला था ये सब करने के लिए? सर, दिस इज नॉट योर जॉब। अभी इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं सर। ये सब हमारा काम है, हम देख लेंगे। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं मिस्टर जोसेफ, इन्हें यहाँ से जाने को बोलो। What is this bad smell? नीचे देखिए ना। What? Don't play with me again. Be careful. अरे जरा खिड़की से बाहर देखिए। Oh my God. ये लीजिए, जो मेरा खून करने आए थे उनका फोन और ये। Quiet. मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ तुम। तुम यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ, जगह को खाली करो तुम। गेट आउट। What? कह रहा था यहाँ से हट जाइए। मुझे पता है कहाँ खड़ा होना और कहाँ नहीं। हाँ, तुम मुझे मत बताओ। अरे स्टूपिड पिजन। नाउ वी आर 100% सक्सेसफुल सर।
जाइगोट्स के क्रोमोसोम के लेवल को ऑल्टर करने की वजह से हम मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग कर पाएंगे सर। यू आर राइट, बट ये इतने कमजोर क्यों देख रहे हैं? इन्हें पर्पसफुली भूखा रखा गया। डेल्टा जमीन पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए बोल के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है। पहले जो लोग हमें अपनी जमीन देने के लिए तैयार थे, अब वो जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। सब एक साथ मिलके बड़े हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। हमारी मीडिया कंपनीज के जरिए इस हंगामे की वजह माइनॉरिटी नक्सलाइट्स का नाम लेकर डाइवर्ट करवा दो, प्रॉब्लम को दबा दो। सर वॉट, हमारे प्रोजेक्ट को रामनाथपुरम की तरह किसी उजाड़ जमीन पर शुरू करे तो किसान तो अपनी जमीन हमें खुद ही दे देंगे। यू आर राइट, लेकिन थोरियम तो तंजौर में है ना, सो प्रोजेक्ट को तंजौर से रामनाथपुरम नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन तंजौर को रामनाथपुरम में बदला जा सकता है। कदेर, कदेर बेटा उठो, उठो ना बेटा, बाहर जाके देखो गांव में क्या हो रहा है बेटा, जल्दी उठो। कई एकर खेत नष्ट हो चुके हैं, जिससे हमारे किसान जो पहले से ही परेशानियों के घेरे में थे, उन्हें इन कीड़ों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम तंजौर पहुंच चुकी है। यहाँ पर तो फसलें ठीक दिख रही हैं। अभी यहाँ कीड़ों ने अपना कमाल नहीं दिखाया, बीच में तीन चार गाँव पड़ते हैं ना, पहले उन्हें खत्म करके आएंगे। ये देखो आ गए। ये क्या, इतने सारे कहाँ से आ गए? आगे चलो दिखाता हूँ, इससे भी बड़े बड़े हैं। बंद कर, अरे बंद कर, वाइपर बंद कर। गधा, अरे क्या हो गया है, अरे ये सब क्या हो गया जी, आप ही पूछ रही थी ना, पूरी आंखों से देख लो। अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ? हमारे चाचा ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन इस नुकसान की वजह से उन्होंने जहर के लिया। जल्दी जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ। It's too early to say anything. मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ये कैसे कीड़े हैं, इन्हें कैसे खत्म करना है रिसर्च के बाद बता पाऊंगा। प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए, प्लीज अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। प्लीज आप मुझे बताइए, आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है ना, टीवी पर देखा है। यस सर, आई एम कदर, लेकिन मैं यहाँ खेती भी करता हूँ। आई एम सतेंद्र, एंटोमोलॉजिस्ट। ये एक तरह के टिड्डे हैं जो अफ्रीका के मेडागास्कर में पाए जाते हैं। झुंड में लाखों में आने की वजह से हम इन्हें लोकस्ट कहते हैं। इंडिया में ऐसे कीड़ों ने पहली बार अटैक किया है। सर हम इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? यहाँ के किसान ऑर्गेनिक तरीके से फसल को बचाने के लिए नीम का छिड़काव करते हैं ना। हाँ सर। जरा उस नीम के पेड़ की तरफ देखिए, कुछ भी करने से ये शांत नहीं होने वाले, दो तीन दिन में ये खुद ही मर जाएंगे, दोबारा नहीं दिखेंगे। लेकिन सर फिर इनके बच्चे या अंडे? चिंता की कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमने पूरे गांव से कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और उनमें से एक भी फीमेल कीड़ा नहीं है, ये सोचकर हम भी दंग रह गए। सर व्हाट डू यू मीन, मतलब ये विनाश का कारण सिर्फ ये मेल कीड़े ही है। लुक एट दिस सबजेनिटल फकुला। पर सर सबके सब मेल्स कैसे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत जोरदार है। मेल कीड़े हैं इसलिए बच गए, अगर फीमेल कीड़े भी होते तो अंडे देने के बाद इनकी तादाद और बढ़ती और ये कहर मचा देते, यू नो। सर इसका नाम क्या है? दिस स्पीशीज कम्स अंडर सिलीफेरा गिलगेरिया। सॉरी, सिलीफेरा। सिलीफेरा। कदीर सर, सिलीफेरा के बारे में कुछ जानते हो क्या? सिलीफेरा नॉट एग्जैक्टली सर, बट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। Oh, my God.
सर। कल सुबह पीएम ऑफिस तुम्हें आना है, अर्जेंट। हाँ आओ कादिर। अभिषेक का पीएम बनना एक सपने के जैसा लग रहा है। सर मुझे गलत मत समझिए, अभी स्टिल अ मोटिवलेस इनोसेंट किड। किसी स्लोप पर गाड़ी बंद पड़ जाए तो उसे पीछे जाने से रोकने के लिए हम कोई पत्थर उठाकर उसके नीचे डाल देते हैं ना। उस बच्चे को पीएम की कुर्सी पर बिठाकर आपने वैसा ही कर दिया है सर। एग्जैक्टली। हमारा देश भले ही आगे ना जाए लेकिन पीछे नहीं जाना चाहिए कादिर। आओ कादिर, बधाई तो रहने ही दो, लेकिन सोचा था तुम थोड़ी हिम्मत दोगे मुझे। अभी सॉरी, मैं अभी भी उस हादसे से उभरा नहीं हूं। नो, तुम कुछ मत बोलो। अगर तुम इस देश की सच में भलाई चाहते तो आ गए होते, आकर इनके हाथ पैर छोड़कर मुझे पीएम बनने से बचा लेते यार। चुप रहो अभी, हमारे आसपास जो हो रहा है वो सोच के बहुत डर लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट हिज सिक्योरिटी। अगर तुम अभी के साथ रहोगे तो अच्छा होगा कादिर। कादिर का ऑर्डर रेडी करो जल्दी। पर सर मैं अभी सस्पेंशन पर हूँ। आपके सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक करने को बोल दिया है। प्लीज बी विद मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यू आर माय प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके नमस्कार, कैसे हैं आप सब? हम कैसे हैं वो सब छोड़िए सर, हमारा देश अच्छा नहीं है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आप उसका क्या करने वाले हैं? एक्चुअली वो क्या है, गवर्नमेंट से टैक्स कम करने के लिए बुलाया, ऐसा बोलिए सर। जगह जगह माइनिंग हो रही है जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है, उसके लिए क्या प्लान है सर? उस प्रोजेक्ट के क्या क्या प्रॉफिट है ये उन लोगों को समझाया जाएगा, बोलिए ना सर। एक तरफ से चाइना की आर्मी घुस रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप इस कुर्सी पे बैठे, आपकी योग्यता क्या है बताइए सर। सरकार हमेशा कॉर्पोरेट कंपनी को फेवर करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आपका पहला स्टेप क्या होगा? अभी सर रिलैक्स, प्रॉम्प्टिंग इग्नोर कीजिए, आपके दिल को जो अच्छा लगे बस वही फॉलो कीजिए। सर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मशीन गन की तरह क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे? टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कुछ सवालों के तो जवाब पता ही नहीं है मुझे और कुछ सवाल समझ में नहीं आए। बाबर के बाद हुमायूं की तरह गद्दी पाले ये कोई राज शासन तो नहीं है ना? पीढ़ी दर पीढ़ी दादा बाप और फिर बेटे कंटिन्यू करे ये कोई अस्पताल की कुर्सी भी तो नहीं है। अगर कोई कार ऊंचाई पर खड़ी हो उसे रोकने के लिए जो भी हाथ लगे उस पत्थर की तरह। पार्टी और सरकार को बचाने के लिए मुझे भी इस पीएम की पोस्ट में घुसा दिया गया है। 25 साल की उम्र हो गई है, उस एज एलिजिबिलिटी के अलावा मेरे पास और कोई योग्यता नहीं है, लेकिन तुमसे ये ना हो पाएगा ये कोई कह दे तो उसे कैसे भी कर दिखाना है। एक जुनून चढ़ जाता है। कॉलेज के फाइनल ईयर में 12 बैरियर्स थे, तुझे ये क्लियर करने में 5 साल और लगेंगे, पापा ने चैलेंज किया था। उसके ही अगले सेमेस्टर में मैंने सब क्लियर कर दिया। वैसे ही एक बंगाली लड़की को पटाने के लिए एक ही हफ्ते में मैंने बंगाली सीख ली। अब वो कहाँ है सर? What's her name सर? सही कहा आपने सर। So आपको हेडलाइन के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई ना? आई विल मेक यू मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। उसके बाद मलयालम पंजाबी गुजराती भी सीख ली। अब कौन सी भाषा सीख रहे हैं सर आप? What's your mother tongue? गुजराती सर, why? ये भी सीख ली समझो। है ना? Okay, jokes apart. ये खराब जड़ अपनी अच्छी पकड़ बनाएगी, इस भरोसे के साथ इसे गाड़ा गया है। पकड़ अच्छी हुई है या नहीं ये देखने के लिए रोज उसे खींच कर मत देखिए। मैं चंद्रकांत वर्मा की जड़ हूं, खराब नहीं होऊंगा। प्लीज गिव मी सम टाइम। जय हिंद। वेलकम सर, आप पीएम ऑफिस से आ रहे हैं ना? मुझे इन्फो मिल गई थी। सर, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? नो थैंक्स। आपने कश्मीर में जो एविडेंस मिला था उसे एनालाइज किया, उसमें कोई ब्रेक थ्रू? अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट एनी लीड सर, बट स्टिल वी आर एनालाइजिंग सर। एनालिस्ट कौन है? मिस्टर रामकुमार। हां, ये कादिर बन है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। सो वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू सर। सर आप सही कह रहे हैं, जाइए ना प्लीज। हेलो मिस्टर रामकुमार। हेलो। आपको कोई छोटी सी लीड भी नहीं मिली है क्यों? सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं खेल रहा हूं। फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स, ये कुछ भी मैच नहीं हुआ सर। सर नाराज मत होइए, एक बार और चेक कीजिए। सर मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ, दिन रात हमेशा बस इसी काम में लगा हुआ हूँ सर। मैं 7 बार फोन कर चुकी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, उसे ऐसा शक हो रहा है सर। आधार कार्ड, उससे तो पता चल जाएगा। आपको मजाक सूझ रहा है? 200 करोड़ की जनता है भाई, इसके लिए अलग से टीम चाहिए। समझिए अगर सुपर कंप्यूटर दिया तो भी। जो पोस्टिंग में लोग हैं उन्हें छोड़ो, जो रिटायर हो चुके हैं जैसे आईबी, रॉ, एनएसजी, एसपीजी, इन सब कुछ। और वो यूनिफॉर्म पहना ब्लैक शीप भी तो हो सकता है। उसने यूनिफॉर्म पहना हो या नंगा हो भाई, वो सब कल देखेंगे ना, मैंने अभी तक नहाया भी नहीं। सीरियस? पता है हमें किसकी तलाश है? डू इट नाउ, हम वेट कर रहे हैं।
बीवी तो पक्का छोड़ेगी मुझे। कौन हो सकता है, हमें सीधा चैलेंज कर रहा है। यही तो हमारी मुश्किल है। What is that? पकड़ लिया, पकड़ लिया, हो गया सर। इधर आइए, ये देखिए इसके फिंगरप्रिंट्स कितने एक्यूरेट मैच हुए हैं। रंजीत, 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 जोसेफ और मैं, हम तीनों इंटेलिजेंस में साथ काम कर चुके हैं। मेरे सुपरविजन में मुझे और मेरे टीम के 5 लोगों को खुफिया ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। हम वहां अलग अलग भेस में लोगों के बीच घुल मिल गए। हम 5 में से किसी को भी इंफॉर्मेशन मिलती तो उसे तुरंत शेयर कर लेते। तभी पाकिस्तान दिल्ली पर मास अटैक करने जा रहा था, ऐसा हमें पता चला। मैंने तुरंत उसकी डिटेल्स जोसेफ को भेज दी। जोसेफ, कम विद मी। यस सर। लेकिन हमारी टीम का रंजीत एक डबल एजेंट है, यह हमें पता नहीं था। तुम यहां क्या कर रहे हो? स्टेपलर। हमारी लोकेशन, हमारी सारी डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ पैसों के लिए आईएसआई को भेज दी। उस इंफॉर्मेशन से अमीज खान ने हमारी टीम के 4 लोगों को मार दिया, लेकिन उन 4 ने अपना मुंह नहीं खोला और शहीद हो गए। कौन है तुम्हारा मुखिया? मुझसे मेरा मिशन पूछा गया। क्या है तुम्हारा ऑपरेशन? उसने मुझे कई दिन टॉर्चर किया। से भागकर कई महीने में पाकिस्तान में ही रहा, यहां वहां छुपता रहा। मेरे बारे में कोई खबर ना मिलने की वजह से डिपार्टमेंट ने मेरी फाइल क्लोज कर दी। एक दिन मेरी लोकेशन का पता लगाकर अमीज खान मेरे पीछे पड़ गया। उन लोगों से बचकर मैं इंडिया वापस आ गया। हमने रंजीत के घर छापा मारा। वहां तलाश करते हुए उसने हमें फंसाया। इससे जुड़े सारे कागजात, वॉइस नोट्स, डॉलर सब कुछ बरामद किए। उस प्रूफ के आधार पर हमने रंजीत को अरेस्ट कर लिया। देशद्रोही करार करके रंजीत को 6 साल की सजा सुनाई गई, तिहार जेल भेजा गया। बेइज्जती से उसकी बीवी शीला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। उसके बाद रंजीत की कोई खबर नहीं। जब जोसेफ उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब पता चला कि 3 महीने पहले जेल से रिहा होकर वो अंडरग्राउंड होकर ये सब काम कर रहा है। मैंने उसे ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। बस करो इस रंजीत की स्टोरी। जब देखो टेररिस्ट, बॉम्ब, डेथ, वायलेंस, कभी तो रोमांटिक मूड में आया करो। नॉट नाउ, अभी थोड़ा काम है। कादर, चलो चलते हैं। कहाँ? कहीं लॉन्ग ड्राइव। ताजमहल जाकर तुम्हारे साथ एक वॉक करूंगी, कैंडल लाइट डिनर करूंगी, चंदबद में शॉपिंग। एक दिन में ये सब नहीं हो पाएगा। टू डेज की लीव लेकर कहीं चले क्या? ओके। नो 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, लव करके चली जा। 2 मिनट दे रहे हो जैसे कोई नूडल तैयार करना है। तुम भी ना। चल देखो काम में बिजी रहते हो। बाय। तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है और उसके लिए हमें डराकर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन आपने मर्जी से दी है, क्या ये सच है? कुछ गांव में इन कीड़ों के कहर से बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया है। उन सबको लेकर वो लोग रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। देखो आ गया, वो देखो आ गया, आ गया। जमीन बेचने वाले यही लोग हैं सर। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं सर। बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पुलिस फोर्स और चाहिए, मैनेज नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को बंदूकें दीपावली में चलाने के लिए दी हैं क्या? सर अभी तक तो किसान शांति से बैठे हैं, एक्शन लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। समझ गया।
देखिए सर, पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं, बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं, वहां पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो, आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं, फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा, याद रखिए मेरी बात। एक महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस एक महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब ये सब क्या लगा रखा है? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओ गॉड, इतने सारे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता, वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए, पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है, यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है। एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर, रिसर्च करेंगे, खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर थोरियम, यूरेनियम, ये चुपचाप निकाल कर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म, तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहां की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? 8 माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है, उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल, ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर, आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके, श्योर सर। अरे कुलदीप सर, भूख लग रही है यार, मेरा पिज्जा कहाँ है? सर सिर्फ 10 मिनट सर, SPG ग्रुप चेक कर रहे हैं। तब तो हो गया, तब तक ठंडा होकर हलवा बन चुका होगा। या सर, मिस्टर महादेव आए हैं, आपने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दी है क्या? उन्हें अंदर भेज दो। अंकल, सॉरी अंकल, आप आ रहे हैं, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। नो वरीज। कैसे हो? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी कैसी है? बहुत गर्म है अंकल। कम कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक अंकल। नहीं 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 नहीं, मैं एक्सट्रीम गुस्से में होता हूँ तब पीता हूँ, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी होता हूँ तब। इस वक्त ऐसा कोई मूड नहीं। क्या अंकल, फिर क्यों ये मिडनाइट मीटिंग? अभी तंजावुर जिले में माइंस बंद करने के बारे में तुमने डिस्कस किया है, क्या ये सच है? दिस इज अनबिलीवेबल अंकल, शाम की कैबिनेट मीटिंग में सीक्रेटली डिस्कस की गई बात आप तक पहुंच गई है, मतलब आपकी परछाई यहीं कहीं घूम रही है। पकड़ लूंगा अंकल, आपका वो आदमी कौन है पकड़ लूंगा। अभी तब तो कैबिनेट पूरी खत्म ही हो जाएगी। इतने सारे स्पाई हैं तंजावुर के डेल्टा एरिया में, माइंस से ज्यादा खेती जरूरी है ना अंकल? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारा फायदा हो वही जरूरी है। ये मीटिंग शेड्यूल में नहीं है, बिना SPG को इन्फॉर्म किया कैसे हो सकती है? उस जमीन के नीचे जो चीज है वो हजारों सोने की सुरंग के बराबर है, तुम्हें उसकी वैल्यू पता नहीं। ठीक है अंकल, खेती की वैल्यू समझने वाला एक ही इंसान है, और वो भी तंजावुर का किसान, उन्हें भी बुला देता हूँ, उनसे ही बात कर लीजिए। तंजावुर का किसान? तो यहाँ वॉचमैन की नौकरी क्यों कर रहा है? ये मेरे प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, कदीर। तंजावुर के किसान, गुड। एक एकड़ जमीन की 50 साल बाद जो कीमत होगी उससे भी ज्यादा मैं सिंगल पेमेंट में देने को तैयार हूँ। उसे लेने की बजाय दंगा करने वाला पागल ही होगा। वो पागल है या चालाक, लेकिन इतने पैसे देकर जमीन लेने वाला, वो तो पक्का पागल नहीं हो सकता। That is the point. डेल्टा के खेत से पैदा होने वाले 1 क्विंटल अनाज की कीमत 2000 रुपए होगी, लेकिन उस जमीन के अंदर पैदा होने वाले थोरियम की कीमत विदेशी बाजारों में बहुत ज्यादा है।
अभी अगर उसे अच्छे से प्रोसेस करें तो दुनिया में इंडिया को नंबर वन एटॉमिक पावर बना सकते हैं। वो तुम्हारा लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। वाह! लेकिन बाकी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके खिलाफ होगी ना अंकल? उन लोगों को तरह तरह के टेंशन देकर चुप करवा दूंगा। जैसे चूहे के पीछे धरना करने वालों के बीच एक बिच्छू डाल दो तो धरना करने वाले चूहे को छोड़कर बिच्छू को भगाने में लग जाते हैं, फिर उनके पीछे सांप डालो तो उसे भगाने में लग जाते हैं। तभी मौका देखकर उनके पीठ के पीछे हम एक हाथी भी उठाकर ले जा सकते हैं। सुपर अंकल, आप ही मेरे एडवाइजर बन जाइए ना। आपकी बातें मुझे अच्छी तो लग रही है, लेकिन खेती बर्बाद करके ये करने के लिए कह रहे हो? अगर इस देश का भला चाहते हो तो हमें गणे मुर्दे उखाड़ने ही होंगे, और मुर्दे उखाड़ते वक्त कीड़े मकौड़े निकलते हैं, उन्हें दूसरी जगह तो भेजना ही पड़ेगा। आपको किसान कीड़े मकौड़े लगते हैं क्या? जमीन आपके लिए प्रॉपर्टी होगी, हमारे लिए भगवान है। इसीलिए खेत में उतरने वाला किसान पैरों में चप्पल नहीं पहनता। तुम जैसे कॉर्पोरेट लोग लोन नहीं चुका पाए तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन कोई किसान पैसे चुकाए बिना भागता नहीं है। इज्जतदार होते हैं, मर जाएंगे, मर रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इतनी मेहनत करके खेती करने की क्या जरूरत है? सिर्फ अनाज ही चाहिए ना। कर्नाटक से, उड़ीसा से, वियतनाम से, थाईलैंड से जहाज के जहाज मंगवा दूंगा। अभी इंडिया को सुपर पावर बना दूंगा और तुम्हें सुपर पीएम। किसान, अपने राज्य को उजाड़ बनाकर इंडिया को सुपर पावर बना दोगे? कम ऑन, अभी दुबई भी तो रेगिस्तान ही था, लेकिन अब क्या है, वन ऑफ द रिचेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। किसी राज्य में संस्कार और खेती खत्म करने वाली ऐसी घटिया सोच को कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी। हाँ। अभी लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इथियोपिया में मेरी एक बहुत बड़ी कॉपर फैक्ट्री थी। 5 साल पहले वहां जब सरकार बदल गई, एनवायरमेंट इश्यू बताकर फैक्ट्री बंद करवा दी। $20 million $20 million खर्च किए। वहां के मिलिटेंट ग्रुप ने 3 हफ्ते में पार्टी गिरवा दी। उस पार्टी के लीडर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज उसी देश में मेरी 14 कॉपर फैक्ट्रीज हैं। कदीर, अंकल क्या कहना चाहते हैं ये दिमाग में तो जा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इनकी माइंस बंद करेंगे तो ये आपकी पार्टी गिरा देंगे। अरे बाप रे, मुझे ये सब करने पर मजबूर मत करो। बात तो सही है अंकल, अगर मैंने आपकी माइंस क्लोज करवाई तो आपकी इज्जत जाएगी। हम लोग एक काम करते हैं, अगले महीने तंजावर में एक ग्रैंड फंक्शन रखते हैं। उस फंक्शन में लोगों की भलाई के लिए आप अपनी माइंस को खुद क्लोज कर रहे हैं, आप खुद ही अनाउंस कर देना। मैं खुद माला पहनाकर बधाई दूंगा, इमेज भी बनी रहेगी। इलेक्शन में खड़े हुए तो एमपी भी बन जाओगे। मैं भला एमपी क्यों बनने लगा? तुम्हारी पार्टी के 60 MP मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम इलेक्शन में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मतलब बात नहीं सुनी तो पार्टी गिरा दोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभी ये सर, सभी इलीगल माइंस बैन करने हैं, उसके सारे इलीगल इश्यूज पर डिस्कस करना है। कल अटॉर्नी जनरल को आने के लिए कहो। अभी किसे अपने साथ रखना है और किसे अपने से दूर रखना है, ये तुम अभी नहीं जानते, पर जान जाओगे। अरे बाप रे अंकल, अभी आप एक्सट्रीम गुस्से में हो। As you said, you need a shot now. Stop it. तुम चंद्रकांत वर्मा के बेटे हो, बस इतना ही। चंद्रकांत वर्मा नहीं हो, ये कभी मत भूलना। अभी तो ये भी इथियोपिया नहीं है, इंडिया है, ये जान लीजिए मिस्टर महादेव। Boys, you're messing with the wrong guy. Uncle, this is wrong, Abhi. फिर कभी प्रोटोकॉल तोड़कर ऐसे पर्सनल सेलफोन से अपॉइंटमेंट्स मत देना। It's okay, Kadir. Come, let's go. PM के आने का टाइम हो गया। बॉम्ब चेकिंग हो गई? सिर्फ टेबल चेक करना बाकी है। Hey, Kadir. Hi. Hi. यहाँ पास के किसी मंदिर में पूजा करके आ रही हो क्या? तुम्हारा ना खून कर दूंगी मैं। क्या हुआ? सोचा था सुबह फोन करके मुझे विश करोगे, लेकिन नहीं किया। जरा सोच कर बताओ कि आज क्या है। अरे हाँ, आज तुम्हें लड़का देखने आने वाला है क्या? क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे टू यू अंजलि। अभी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या कदीर, भूल गए थे क्या? ड्यूटी की तरह लव में भी सिंसियर रहो ब्रो।
मेरा बर्थडे ही भूल गए, किस बात का प्यार? इतना काफी नहीं है, कॉलर पकड़ो और दो चार मारो। यू डिजर्व इट कदर। थैंक्स सर। बताया था ना कि रिजॉर्ट में पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम कैसे भूल सकते हो? पार्टी याद है मुझे, लेकिन बाकी क्या पार्टी? व्हाट डियर, पार्टी में मुझे इनवाइट नहीं किया। व्हाट टाइम? 8 o'clock। कदर, जब तुम जाओगे मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। नो वे, अगर आप जाओगे तो बहुत सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आने वाले हर गेस्ट को ठीक से चेक करना पड़ेगा, किचन एंड फूड चेक, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड प्रोटोकॉल्स। आप अचानक नहीं जा सकते। अब अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मुझे लेकर भागोगे या प्रोटोकॉल देखोगे? वो इमरजेंसी होगी, ये बर्थडे पार्टी है। कैसे प्रोटोकॉल्स हैं ये? हेल विद प्रोटोकॉल्स। मैंने ऐसा करने से मना किया था ना, अभी को यहाँ लेकर क्यों आए? मुझसे क्या कह रहा है यार? मेरी बात माने तब ना। कहने लगा लेकर जाओगे या खुद ही चला जाओ, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। छोड़। कम कम अंजलि, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। अंजलि, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? टैंक टन एंड दैट ब्यूटी इज फॉर यू। वाओ, मेरी कूपर। वाह वाह, 100 किलोमीटर इन 5 seconds, 4-wheel drive, हैंड कट पावरफुल। थैंक यू, बट आई रियली नो, इट्स गॉट अ लॉट। गेट इन, गेट इन। ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दो, मैं चाहता हूं कि अभिषेक को पूरी सिक्योरिटी के साथ वापस घर लेकर जाया जाए। या आई गॉट एन आईडिया। अरे चलो, मूव 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 नाउ, फास्ट। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। सर, मेमना केला निकला है। Careful, Abhi, don't rush. Abhi, don't rush. Anjali, pick up. प्लीज बस करो, एसपीजी टीम टेंशन में होगी, मत करो। अरे छोड़ो उन सबको, जब देखो ये मत करो वो मत करो, थोड़ा टेंशन लेने दो, उनको भी तो समझने दो ना। सुन, वैन या जीप कोई भी गाड़ी भेज दे, रोथल केस है। जीप की क्या जरूरत है अंकल, बात कर लेते हैं। अंकल बाजू हटो यहाँ से, तुम पर चार्ज शीट बनाए बिना सोने वाला नहीं। मैं भी देखती हूँ। कार को भी पिला के लाया है क्या? Hey, रुको रुको रुको! I am the king of my life. Hey security, घर में खड़े होने की वजह 20 सड़क पर क्यों खड़ा है? सही टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तेरा टाइम खत्म होता। ये नया सिक्योरिटी कौन है? Who are you? तुझे तो फूंकने की भी जरूरत है। मैं ही हूँ पुलिस। Sorry police, I love you, I love you, I love you very much. You are so sweet person. Mix on the beach. Oh, पीकर वो सब भी किया? दिल्ली में बीच कहाँ से आ गया? अबे ओ, वो कॉकटेल का नाम है यार। Don't talk any bad words to me. हे, तुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तू यहाँ नहीं नहीं आई है क्या? Get lost. Please, swing sir, please, please. आपको पता है ये कौन है? मैं सोच ही रहा था कि अब तक ये डायलॉग क्यों नहीं आया? क्यों, ये सीरिया का नया काउंसलर है क्या? नहीं, वो सब नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। हे, ये है क्या वो मिक्स ऑन द बीच? सर, ये कदीर की गर्लफ्रेंड है सर। क्या सरदार जी, दूसरों की लवर के साथ मजे ले रहे हो आप? चलो ना, चल 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 चल, निकल यहाँ से। जाती हूँ अंकल, टेंशन मत ले। इधर आ सरदार जी, इन्हें 200 रुपए दे दीजिए, आपको छोड़ देगा। क्या कहा, रिश्वत? हाँ। पुलिस सिंघम, तू रिश्वत लेता है? मैंने तुझसे रिश्वत कब मांगी? तू कौन है, तू मुझे बता तो नहीं रहा? अरे यार, ये मेरा प्लान खराब करने आ गया है। लेट्स गो प्लीज। हेलो 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 हेलो, रुक जाओ। पीकर गाड़ी चलाने के चक्कर में पकड़ा और आप इसे लेकर जा रहे हो? जरा रुको, मैं सब बताता हूं। सर, आप वेट 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 वेट, मैं एक इंस्पेक्टर हूं, आप मुझे हाथ लगा के बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग टू हिम? इसने क्या किया पता है? आंसर मी, टेल मी। वो मजे ले रहा है सिंघम, उस पर भरोसा मत करो। सर चलिए। आई एक्सट्रीमली सॉरी सर। उन्होंने ओके बोल दिया। नो नो, इट्स नॉट ओके, मैंने गलती की है, ड्रंक एंड ड्राइव। आप मुझ पर केस बनाओ। सर मुझे नहीं पता था कौन है, बस आप मुझे काले पानी की तरफ ट्रांसफर मत कर देना सर, प्लीज। सर प्लीज, मेरे साथ चलिए। वो दिन तो खुश रहने की सोच रहा था। जस्ट बी देयर। सब खत्म कर दिया। डाउन डाउन, अभी डाउन। जल्दी आओ, निकलो यहां से। पीछे से कवर करो, अभी मूव, चलो चलो।
ओवर, स्टे लो, स्टे लो। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अरे अंजलि गिर गई। अरे लाओ उसे। अभी यहीं रुको। अभी पीछे आओ। तुम यहीं रुको। लेकिन कल्याण। अंजलि। Go, damn it! Cover me, Vivek. I need more cover. Abhi, get down, down, get down, Abhi. Move. Kaleer, Vivek, back. पीछे की गली से जाओ। Quick, bring him. Vicky, दूसरी तरफ से कवर कर। अभी आई ओके, वी नीड अ व्हीकल, कोई भी गाड़ी लेके हटिए, हटिए जल्दी, हटिए। आ रहा हूं जी। प्लीज। अरे भाई मेरी गड्डी, ओए कदीर, कम फास्ट, रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, डोंट स्टॉप द व्हीकल, चलो जल्दी जल्दी लेकर जाओ। जोसेफ, जोसेफ आ जाओ, हॉस्पिटल चलो जल्दी विवेक। कुछ नहीं होगा, आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें बंद मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, जल्दी करो विवेक। प्रिया आ जाएगी, मैं हॉस्पिटल बुला लूंगा। विवेक, स्पीड अप, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, रिलैक्स करो, मैं प्रिया को बोल दूंगा। जोसेफ, आंखें बंद मत करो, प्रिया आती होगी, बस थोड़ी देर और। जोसेफ, जोसेफ हिम्मत मत हारना, जोसेफ, जोसेफ मुझे छोड़ के मत जा, जोसेफ, जो प्लीज यार, ए जोसेफ, जो कदीर, क्या हुआ? गया, मर गया। कितनी बार वॉर्न किया था तुम्हें, सुना? अगर कोई भी और होता, पुलिस या मिलिट्री, एक बार सोचते उसके बाद गोली चलाते, लेकिन हम लोग गोली की आवाज सुनते ही दौड़कर आगे आना और गोली छाती पर लेना, यही हमारा काम है। एसपीजी का बनाया हुआ कानून है। तुम्हारे तुम्हारे इस बचकाने खेल की वजह से देखो मेरा दोस्त मरा पड़ा है। नहीं कदीर, मुंह बंद रख। जोसेफ जैसे सिंसियर ऑफिसर्स की वजह से ही तुम लोग इस तरह बेधड़क घूम पाते। लोग काम करने की तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम मरने की तनख्वाह लेते हैं। हम मरेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे बेमतलब की मौत नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मरना। हेलो अंजलि। हेलो। हेलो, हाउ इज शी डूइंग डॉक्टर? गुड, ओवरऑल सेफ ही है। ओके,
टाइटेनियम प्लेट फिक्स की हुई है, कल से ही जॉब पे जा सकती है। डरने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। डोंट वरी कदीर, प्रिया मॉर्चरी आई है, तुम आ जाओ। कौन सी दवाई लिखी थी? हाँ, इन सारी चीजों को चेक कर। आदमी पकड़ा गया है, बांध कर रखा है, उसे जल्दी खत्म कर दो। जो सब जान गया था, जोसेफ ने ये तुम्हें बता दिया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुलेट्स मिल गई तो मैंने ही गोली मारी, पता चल जाएगा। कहने पर किया ये सब? नहीं, 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 नहीं। यहाँ इन लाशों के साथ तुझे भी काट के किसी बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं बताता हूँ। जनरल तो क्या, महादेव सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना चला जाए, अभी उसकी सारी माइंस बैन करनी है, लीगल टर्म्स को कंफ्यूज किए बिना। पुलिस की मार को तो आप जानते ही हैं, जीप भर कर मारते हैं पर बाहर एक निशान तक नहीं दिखता, जबकि अंदर हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। Seems exciting. Explain कीजिए। वर्मा जी, ये देखिए। इन कीड़ों का नाम सिलीफेरा है। अफ्रीका के खेतों में ये हंगामा मचाते हैं जब ये एक साथ झुंड में आते हैं। It's called locust. Very dangerous. किसी और वजह से इन कीड़ों पर जब हमने अपने एग्रीकल्चरल लैब में प्रयोग किया, उस वक्त हमें पता चला कि ये साधारण कीड़े नहीं हैं, ये इफेक्टिव हथियार बन सकते हैं। Are you suggesting a bio war? You can call it an entomological warfare.
इन कीड़ों को कुछ दिन भूखा रखकर पाकिस्तान जाने वाली मालगाड़ी में सीक्रेटली भेजकर, वो भी रात के अंधेरे में उन्हें भेजकर उड़ा दें, तो एक ही हफ्ते में हजारों एकड़ जमीन का अनाज खाकर डकार तक नहीं लेंगे। ऐसा अगर 3 हार्वेस्ट तक रिपीट किया जाए तो वहां एग्रीकल्चर जड़ से साफ हो जाएगा, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इकोनॉमी गिर जाएगी, उसके बाद वो हमारे आगे भीख मांगेंगे। वैसे कीड़ों को बॉर्डर लाइन पता होगी क्या? वो सब के सब वापस आकर हमारे खेतों पर अटैक नहीं करेंगे क्या? नर कीड़ों को और मादा कीड़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग करने के बाद नर कीड़ों को उड़ाएंगे। इन कीड़ों की उम्र सिर्फ 1 हफ्ता ही होती है। नर मादा दोनों कीड़ों को एक साथ भेजा तो वो अपना परिवार पैदा करके कई गुना बढ़कर मच्छर कॉकरोच की तरह जिंदगी भर ना मिटा पाने वाली शक्ति बन जाएंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर महादेव, आप क्या खाते हैं? नो, आई एम गुड। अभी के लिए नहीं पूछा। हाँ, आप रोज क्या खाते हैं? मतलब सभी की तरह खाना ही खाते हैं ना? वो सुअर लोग जो खाते हैं वो तो आप नहीं खाते ना? अपने देश में हुए घोटालों को बचाने के लिए या जनता के ध्यान को दूसरी ओर बांटने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है भारत की ओर। वही हमारे देश में भी है। जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उससे खेलने वाला नेस्टी पॉलिटिकल गेम। पाकिस्तान की जनता ने आखिर ऐसा क्या पाप किया है? उनके खाने को इसे बर्बाद करने का आप प्लान सुना रहे हैं मुझे? तुम जो हो ना, सांप से भी जहरीले हो, मौत के सौदागर हो। कल को पाकिस्तान अगर तुम्हें पैसे दे तो तुम इन्हीं कीड़ों को इंडिया में छोड़ दोगे, जरा भी कतराओगे नहीं। तुम इल्लीगली कई देशों को केमिकल वेपन सप्लाई कर रहे हो, मैं सब जानता हूं। CBI जानकारी हासिल कर रही है। तुम्हारे महान ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाइसेंस वायोलेशंस, टैक्स इवेशंस, ऐसे कई इकोनॉमिक क्राइम्स की गतिविधियां चल रही हैं। तुमको क्या लगता है मैं नहीं जानता हूंगा? 24/7 यू आर बीइंग वॉच्ड और सरकार तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हो रही है, ये तुम जानते हो महादेव? इसीलिए तो मुझे खत्म करने के लिए DD फंक्शन लंदन में तुमने नाकाम कोशिश की थी। बट योर डेज आर नंबर्ड महादेव, यू मे गो। चलता आपको क्या अलग से कहना होगा सर? तुम खुद को डिफेंस मिनिस्टर कहते हो, तुम ब्रोकर से कम नहीं। निकल जाओ बाहर। Welcome. Sorry, तुम्हें वह कॉफी पिलाने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी बीवी होती तो कॉफी जरूर पिलाती, लेकिन वो तो फांसी पर लटक गई। तू गलती कर रहा है। मुझसे बदला लेने के चक्कर में तू। ओए कादर, मुझे दंगा लेकर गया था ना तू। उस बेइज्जती का आधा तो तुझे मिलना ही चाहिए, इसीलिए छुप कर तुझे दौड़ा रहा हूँ मैं। इसीलिए यहाँ डेट के साथ जो भी कर्म किए उन्हें एविडेंस के साथ फोल्डर में रखा हुआ है। किस बिल में जाकर छुपेगा? एलेक्सा, व्हाट इज रिमोट वाइफ? Remote wipe is a security feature that allows a network administrator or device owner to send a command to a computing device and delete data. What remote wipe accomplishes can depend on the device and its specific operating system. कहते ये हार्ड डिस्क ले जाकर तुम भागोगे? अच्छा, Alexa, what is IPD? It improvises explosive device if the bomb is destructive. ऑफिस के हर कोने में हर जगह बग लगा हुआ है। महादेव को अरेस्ट करने की तैयारी कीजिए। रुक जाइए सर, उस रंजीत का रूम सिस्टम, कादर ने जो कॉपी किया था वो पेन ड्राइव, सब कुछ खत्म हो गया है। किसी एविडेंस के बिना कैसे अरेस्ट कर पाएंगे सर? तो गन मुझे दे दो, बिना एविडेंस के ही गोली मार दूंगा उसे। उन पर हाथ डालने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था पर हाथ डालना। शेयर मार्केट, GDP, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ इतना ही नहीं सर, हमारे देश की करेंसी वैल्यू भी घट जाएगी। तो फिर मैं क्या यहाँ पर उखाड़ने के लिए बैठा हूँ? एक्चुअली वही इंसान इस देश को चला रहा है, मैं तो बस धागे से बंधा कठपुतली हूँ, है ना?
अपनी जरूरत के लिए आवाज उठाने वाला, रोड पर रात को चलने वाला, प्लेटफॉर्म पर सोने वाला, चाय के ठेले पर बैठकर बीड़ी पीने वाला, हेलमेट ना पहनने वाला, जाकर इन्हें पकड़ने को कह रहे हो, लेकिन क्रिमिनल्स और देशद्रोही देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे। महादेव पर हाथ डालने से अगर देश की इकोनॉमी डाउन होती है तो होने दीजिए, उससे उभरने की ताकत है हमारे पास। महादेव पर एक्शन लेने के लिए वजह जरूरी नहीं, हिम्मत जरूरी है। भारत की रीति से जुड़े प्रमुख बिजनेस एम्पायर महान कंपनीज पर एक के बाद एक रेड किया जा रहा है। इस कारण महान ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, जिससे इन्हें कई तरह से कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स चोरी, फर्जी लाइसेंस और कई व्यापार से जुड़े फर्जी कागजातों के जरिए लोगों की जमीन हड़पना, इसके साथ और भी बड़े बड़े घोटाले में महान ग्रुप को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। महान ग्रुप के कई शाखाओं पर छापा पड़ने की खबर तेजी से फैलने की वजह से कुछ ही मिनटों में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। महादेव के ऑडिटर्स साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन समंदर में जहाज डूबता है तो सबसे पहले सर मिस्टर महादेव इज ऑनलाइन। अभी अभिषेक चंद्रकांत वर्मा, मेरे पापा को तुम्हें मारना नहीं चाहिए था महादेव, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, बट आई एम इनोसेंट, कोई तुम्हें मिसलीड कर रहा है। बेचारा, बहुत बड़ा बेचारा, बताओ कॉल क्यों किया? मामला खत्म कर देते हैं। मेरे पास तंजौर में 8 माइंस पूरी परमिट के साथ तैयार है खुदाई के लिए, लेकिन फिर भी मैं ही झुकने को तैयार हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी माइंस बंद करवा दूंगा, तुम ही अनाउंस कर दो, फंक्शन की तैयारी करो, तुम्हारी इमेज बड़ी हो जाएगी। बदले में इन रेट्स को रोको, मुझे अभी क्या करना है वो बताओ। मैं कॉल करता हूँ सर। ये कॉम्प्रोमाइज क्यों? तीर को सामने छोड़ने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है सर, मैं समझा नहीं। सीली फेरा, इस बार नर और मादा दोनों कीड़ों को साथ मिलाकर भेजने वाला हूँ। हजारों कीड़ों को वो मारे उससे पहले वो लाखों करोड़ों बन चुके होंगे। उसके बाद तंजावर में किसान नाम का एक इंसान भी नहीं बच पाएगा। टोटल डैमेज। क्या हुआ, पहुंच गए क्या? अगले एक घंटे में पहुंच जाएंगे सर। रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो कंटेनर खोल देना। ओके सर। Good to go. Guards, टैंकर पर कोई है, शूट हिम नाउ। यस सर, ऊपर जाके देखो। सर, ट्रेन टनल के अंदर एंटर हो चुकी है, पूरी ट्रेन को अंदर जाने में 20 सेकंड्स लगेंगे।
करण, इज एवरीथिंग ओके? या फंक्शन में आने वालों में से दाढ़ी वालों को ही चेक नहीं करना है, बल्कि क्लीन शेव, टकले, किसी को भी नहीं छोड़ना है, ओके? ओके विवेक, बी केयरफुल, या बेथ रिकमिंग। उस पे ज़ूम करो, उसने इंफ्रारेड स्पेक्ट्स पहने इसीलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। विवेक को इन्फॉर्म करो, वो जहां भी जाए उसे ट्रैक करो। लेटर लेटर आफ्टर द फंक्शन। नमस्ते। देखा भाई, झुक झुक कर कमर भी झुक गई है। सर आप हमारे राज्य के गौरव हैं सर। How are you, अभिषेक चंद्रकांत वर्मा? बस आपका आशीर्वाद है। Nice. नमस्ते। मैं माननीय मंत्री जी से दो शब्द कहने का आग्रह करती हूँ। क्या एक्टिंग है, मेरे पापा को प्लान करके तरीके से मरवा कर श्रद्धांजलि देने कितने दुखी होकर आए थे ना, ऑस्कर देने लायक था। Have you forgotten अभी? मेरे पापा मुझे पॉलिटिक्स में कभी उतरने नहीं देते। उन्हें खत्म कर दो अंकल, ये तुमने ही कहा था ना। वर्मा सर मेरे भगवान जैसे थे, मैंने ना कह दिया तो किसी और के सहारे वर्मा जी को खत्म करवा कर PM बनकर अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। तुम अरेस्ट हो जाओगे तो तुम ऐसा ही कहने वाले हो, क्रिमिनल किंग भी हो तुम। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं बुलाना चाहूंगी बिजनेसमैन श्री महादेव जी को। सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया में मेरी इंडस्ट्रीज ऑफिसेस में रेड पड़ी है। इन रेड्स की वजह से मेरी महान कंपनीज की प्रेस्टीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरी नजरों से बचकर मेरी कंपनी में कुछ लोग छुपे थे, उन्हें सामने लाया गया है। आई मस्ट थैंक हिम फॉर दैट। मेरी कंपनी हमेशा लोगों की भलाई के लिए तैयार रहती है। अभी भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अभिषेक वर्मा जी। करण कबीर, जमर ऑफ क्यों हुआ? What's going on? Karan, do you copy? Sorry sir, गलती से हाथ लग गया। अभी ऑन कर देता हूँ सर। और मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये देश उनकी लीडरशिप में बहुत आगे जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। Your ID? SPG frequency? ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। विवेक कंट्रोल रूम में और देश की तरक्की। कब से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ये हमारा सौभाग्य कंट्रोल रूम कि हमें ऐसा युवा कंट्रोल रूम। विवेक आदर्शवादी, विवेक कदर है, प्रधानमंत्री मिला है। विवेक कम इन, नजर हेलो कौन हो? Yeah.
बता विवेक कहाँ है? चल बोल, What's your plan? बता विवेक कहाँ है? बताता हूँ। मेरा आदमी उसे लेकर गया है, उसे खत्म करने को बोल दिया है। तेरे आदमी का फोन नंबर क्या है? फोन कर उसे। मेरा फोन सिग्नल नहीं है, जैमर ऑन है। नंबर बोल। 9444-00-00-01 Hey, no! Stop! Don't call. क्यों? फोन मत करना। बोल। मर जाएगा, तुम्हारा पीएम मर जाएगा। बॉम्ब कहाँ है स्टेज पर? जब पीएम अंजलि से बात कर रहे थे मैं तभी डायल कर रहा था, तब तू घबराया नहीं। लेकिन महादेव, जब पीएम के पास आकर बैठ गया तब तू ना कह रहा है। बोल बॉम्ब कहाँ है? बोल बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब अंजलि के हाथ में है। तुम इस नंबर पर कॉल करोगे तो भर जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री अभिषेक वर्मा से मैं विनती करती हूँ कि यहाँ आकर हमारा मार्गदर्शन करें। कम इन B3, B1 टू B3। अंजलि के बैग में क्या है चेक करो। अंजलि को फॉरन कंट्रोल रूम में लेकर आओ। कितनी बार मेरा बैग चेक करोगे? हेलो, वहाँ पीएम स्पीच दे रहे हैं। आई हैव टू बी देयर। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? आज से ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र को उसकी रक्षा करने वाले किसानों का ही क्षेत्र मैं बना रहा हूँ। अब से यहाँ खेती के अलावा किसी भी वजह के लिए जमीन खुदाई की अनुमति नहीं मिलेगी। कादिर, what's happening here? ये लोग तुम्हारे कहने पर मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हैं? सॉरी अंजलि, अब आपका एक्टिंग करना बेकार है। गन पॉइंट पर मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा, मैंने सब सच बता दिया है। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैंने इनका बैग भी चेक किया था, सिर्फ पेपर्स हैं उसमें, इसमें कुछ नहीं था। बॉम्ब अंजलि के हाथ में है। टाइटेनियम प्लेट फिक्स की हुई है, कल से ही जॉब पे जा सकती है। सिर्फ धर्म के लिए या मकसद के लिए ही मानव बम नहीं बनते हैं कादिर, बदला लेने के लिए भी बनते हैं। समझे नहीं? इसके पापा को बेवजह मरवा दिया था वर्मा ने, उसी का बदला लेने के लिए ह्यूमन बम नहीं बन सकती है क्या? बकवास बंद करो कादिर, इसका भरोसा मत करना प्लीज। कश्मीर में वर्मा के साथ साथ रहने वाली इस अंजलि का बम फटने से थोड़ी देर पहले धीरे से पीछे जाना तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या कादिर? हमेशा पीएम के साथ रहने वाली अंजलि बॉम्ब के फटने से पहले दूर क्यों जा रही थी? Revenge is a stronger emotion than anything else. सर, पुलिस को बुलाओ। No. तुम दोनों को कोर्ट में खड़ा करके सजा दिलवाने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, इसीलिए इसी वक्त इसी जगह दोनों मरो एक साथ। नो। ए, नंबर क्या था? 9? नो। 444? नो, फट जाएगा कादिर। 00? नहीं कादिर, फट जाएगा। हिलना मत, उसके पास बैठ। स्टे बैक। नो, स्टॉप इट। 00? नो, नो, नो। 7? नहीं कादिर, नहीं। 1? मैंने जो कहा था वो झूठ था, she's innocent। अंजलि का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। स्विच ऑफ द फोन, ऑफ करो।
इसे ऑपरेट करने वाले डॉक्टर को पैसे देकर जब इसे होश नहीं था तब मैंने इसके हाथों में बम इम्प्लांट करवाया था। स्विच ऑफ द फोन, मेरी बात मानो कादर। क्यों बे, गेम खेलना सिर्फ तुझे आता है। सॉरी अंजलि, ये पीएम से दिन में 4 बार मिलती है, चाहती तो उसे कब का मार देती। ए, अगर ये खुद अपने हाथ में बॉम्ब लगवाती तो उसे एक्टिवेट करने का कंट्रोल तेरे हाथ में देती। जरा सा भी झूठ बोलना नहीं आता तुझे। इस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया है अंजलि। जो इम्प्लांटेड बॉम्ब है उसे सर्जरी करवा के निकाल देंगे। टेक हर टू द हॉस्पिटल राइट अवे, यू विल बी ओके। यस सर। विवेक तुम ठीक तो हो ना? ओके। डेल्टा क्षेत्र के बचाव के लिए उसके प्रथम चरण के तौर पर महान कंपनीज के सारे माइंस आज से बंद किए जाएंगे। मेरी सरकार में कृषि और विज्ञान दोनों दो आंखें हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कहा था ना कि 1% भी सच क्यों नहीं बोलता है? बोलो क्या? प्लान ए जरूर फेल हो गया, लेकिन प्लान बी मिस नहीं होने वाला। तुम्हारा पीएम कार तक जाने से पहले ही फिनिश। बता, प्लान बी क्या है? बोल क्या है प्लान बी? कदर, तूने मुझे मौत का डर दिखा दिया, लेकिन अब वो डर चला गया। तू जितने सेकंड यहां रुकेगा, पीएम की जान उतने खतरे में होगी। कम ऑन, शूट मी। हो सके तो पीएम को बचा ले। कदिर, पीएम के पास जाओ, इसे मैं देख लेता हूं। ये मुझे जिंदा चाहिए विवेक। व्हाट? ट्रेन ब्लास्ट? ये कैसे हुआ? ये किसी काम के नहीं। What the hell are you doing here? क्या हुआ उस ट्रेन के साथ? यहाँ तुम भी कुछ नहीं कर पाए, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या इसी के लिए तुम्हें पैसे दिए थे? आपने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। पीएम आपके सामने तड़प कर मरेगा। Come on, hurry up! ओए कदे, प्लान बी में बॉम्ब कहाँ पर है? पता लगा लिया क्या? कहाँ घूम घूम कर देख रहा है? तू ही तो बॉम्ब है। Are you okay? Stop your stupid games. Kadir. No, stop it. Jacket utara ya wahan se hila to main patak daba dunga. Tu marne wala hai Kadir. Tu haarne wala hai. Is soch ke saath hi mar. No! Move! No! Come on, move! Go, get inside! Move! Kadir, kya hua Kadir? What's happening? तुम्हारे पापा वर्मा सर ने कहा था एक जान की बलि देकर कई जानें बचाई जा सकती हैं, तो वो गलत नहीं है। बस यहां 2 जानें लेनी पड़ी। सोचा था हनीमून में रानी खेत ले जाओगे, पर तुम तो यहाँ गन्ने के खेत में ले आए। देखो हम कहाँ पे है उससे ज्यादा किसके साथ हैं वो जरूरी है। लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और ही भाग रहा है। और क्या, खेत में पानी छोड़ा है नहीं उसकी टेंशन हो रही है। अच्छा? पता नहीं अब खाद की बोरियां आई होंगी या नहीं। क्यों, उसमें नया पासपोर्ट और गन्स आ रही है क्या? नया असाइनमेंट है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे साथ में परी जैसी लड़की है और तुम खाद के बारे में सोच रहे हो। खुद को परी कह रही हो? मेरे हिसाब से तुम जैसी शराबी संस्कारी लड़की। कुछ भी मत कहो, तुम भी ना।
अच्छा चलो ठीक है, दो मिनट देता हूँ, उतने वक्त में प्यार कर लो।